أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Senator Mohammed Ishaq Dar, Minister of Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization to present the federal budget for the year 2017-18. शाह साहब ये बजट है और बजट में कभी रवायत नहीं है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात किया जाए मेरा ख्याल है आपको भी एहसास है आप 2002 से तो हमारे साथ इस पार्लियामेंट में हैं कभी ये नहीं हुआ कि बजट स्पीच के दौरान हो उसके बाद मौका मिलेगा आप सब बात कीजिएगा मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं ये नई एक रवायत पड़ जाएगी ये बहुत ही गैर मुनासिब है मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इसको बजट स्पीच को करें फिर जब वक्त आएगा तो हम बात कर लेंगे मगर ये एग्रीड के प्रोरोगेटिव होता है मगर बजट के दौरान नहीं प्रोरोगेटिव होता ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तशरीफ रखें शाह साहब प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गल हो गई यार जनाब स्पीकर मैंने शाह साहब एक मिनट इजाजत है जनाब स्पीकर मैंने जनाब वजीर आजम साहब से बात की है या आप सही फरमा रहे हैं कि ये ट्रेडिशन नहीं है इन्होंने भी बहुत बजट अपने ज़माने में पेश किए हमने भी किए हैं लेकिन एज ए स्पेशल केस उनकी वो कहते हैं कि अगर शाह साहब दो तीन मिनट बात करनी है इन्होंने कहा कि छोटी सी बात करनी है तो मेरा ख्याल है आप फ्लोर दे दें फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ जी शाह साहब नहीं सबको तो नहीं मिल सकता ना ये डार साहब ये तो गलत रवायत पड़ रही है ये फिर नहीं है कि एक एक ही सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा ये नहीं कि पूरी लाइन लग जाएगी नहीं ये नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं चलो फिर नहीं डार साहब नहीं डार साहब ये मुनासिब नहीं है डार साहब ये मुनासिब नहीं है डार साहब दिस इज ये मुनासिब नहीं है कि सारे मेंबर बात करें इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन का इस वक्त नहीं बनता और शाह साहब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जानते हैं बड़ी अच्छी तरह ये कभी पहले नहीं हुआ ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस शाह साहब भी जानते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन है बहुत एहतराम है उनका मैंने तो खसूसी पीएम साहब से लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए लिया इजाजत अगर वो बात करना चाहते हैं सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन ये उनकी आवाज जो भी कहना चाहे कह लें हालांकि ये ट्रेडिशन के खिलाफ है हम सबको पता है इनको भी पता है तो गलत एक रिवायत बन रही है शाह साहब जी शाह साहब एक मिनट माइक खोलें शाह साहब अगर तो सिर्फ आपने बात करनी है तो प्लीज मुख्तसर ये नहीं हो सकता कि सब बात करें नहीं डार साहब आप शुरू नहीं नहीं ये इस वक्त नहीं बजट 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 की जब तकरीरें कीजिएगा तब बात कीजिएगा ये इस वक्त मुनासिब नहीं शाह साहब ये मुनासिब नहीं कि अगर आप चाहेंगे कि पहले पहले डिबेट हो इसके ऊपर और फिर बजट स्पीच तकरीर जितना टाइम आप इसमें ले रहे हैं ये कहाँ हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि बजट की तकरीर से पहले तकरीरें की जाएं फिर बजट का बजट पेश किया जाए तो फिर बाद में तकरीरों की जरूरत ही ना पड़े शाह साहब ये गैर मुनासिब है शाह साहब नहीं ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी ये जाने दें जब बजट का वक्त आएगा तकरीर तब कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट है शाह साहब माइक खोलें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी ताली बजाने से शोर मचाने से हम नहीं चाहते कि बजट को डिस्टर्ब करें हम अपने पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं मैं जो आज के दिन से रिलेटेड है और जो आज वाकया हुआ है उस पर मैं बात करना चाहता हूं जो और सारी अपोजिशन की तरफ से ही मैं बात कर रहा हूं ये पहले भी रवायत 2012 में पड़ी ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कर रहा कि आज भी अगर ये बात कभी नहीं करते आपने अखबारें भी देखी होंगी मीडिया को भी देखा होगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं था वरना हर बात आ जाती है कि अपोजिशन जो है इस पर आज प्रोटेस्ट करेगी ये करे कोई बात नहीं थी ये आज खुद हुकूमत ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है इस बात को इशू बनाया है जो किसान आज इस्लामाबाद में बड़े मैं समझता हूं अपने एहतजाज के लिए आए हुए थे जिसमें मुझे जाना पड़ा कोई ऐसा मसला नहीं था जिसपे कोई बड़ी कोई क्यामत आ रही थी जो रेड जोन से भी बाहर थे मैं खुद गया जिस तरीके से वहां पे हालात हुए जिस तरीके से किसानों को मारा गया है मांग क्या रहे हैं आपसे नून की हुकूमत का मुसलसल पांचवा बजट पेश कर रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार
एक मुंतखब वजीर आजम और वजीर खजाना मुसलसल पांचवा बजट पेश कर रहे हैं। ये चीज मजबूत जमहूरियत की अक्कासी करती है, जिस पर पूरी कौम फख्र कर सकती है। मैं बड़ी आजी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ नाचीज को यह मौका दिया। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट की तफसीलात बताने से पहले मैं तौर पर पिछले चार साल में तय किए गए फासले का अहवाल बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि जून 2013 में पाकिस्तान अपनी माली अदायगियों पर डिफॉल्ट करने के करीब था तो ये एक हकीकत थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 2 हफ्ते की बरामदात के बराबर और तारीख की कम तरीन सतह पर थे। बड़ी अदायगियां वाजिब अदा थीं और कमर्शियल बैंक तो क्या, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी पाकिस्तान के साथ काम करने से गुरेजा थे। उस साल FPR की टैक्स वसूलियों में इजाफे की शरह 3.38% थी, जबकि अखराजात बहुत ज्यादा थे। नतीजा में फिस्कल डेफिसिट 8% से तजावज कर चुका था। तवानाई का बहरान हद से ज्यादा था। शहरों में 12 से 14 घंटे और देहात में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। नविश्ता दीवार इस बात से बिल्कुल वाजे था कि बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की मीशत को मैक्रो इकोनॉमिक एतबार से अनस्टेबल करार दिया जा चुका था। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तेज तरक्की की राह पर गामजन है। इस साल हमारी GDP में इजाफे की शरह 5.3% है, जो कि पिछले 10 साल में तरक्की की बुलंद तरीन शरह है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुनासिब सतह पर हैं, जो कि 4 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। गुज़श्ता 4 साल के दौरान टैक्स वसूलियों में 81% इजाफा हुआ, जो औसतन 20% सालाना इजाफा है। 2013 से अब तक प्राइवेट सेक्टर को कर्जा की फरहमी में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। फिस्कल डेफिसिट तकरीबन रह के 4.2% हो गया। इस साल मशीनरी की दरामद में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ। गैस की फराहमी बेहतर हुई और सनत के लिए लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, जबकि तजारती और घरेलू सार्फिन के लिए लोड शेडिंग में वाजिया कमी आई है। इंशाअल्लाह आने वाले साल में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, नविश्ता दीवार आज भी वाजे है, सिर्फ पैगाम तब्दील हुआ है। आज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जैसे मोतबिर आलमी अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20 बड़ी इक्तसादी ताकतों में G20 में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरी कौम इस मुतासर कुन तब्दीली के क्रेडिट की मुस्तहिक है और मैं इस टर्न अराउंड पर अल्लाह ताला का बेपनाह मशकूर हूं, जिसकी मदद के बगैर 4 साल के कलील अरसा में यह नामुमकिन था। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज्जज ऐवान जनाब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक तवील अरसे के बाद इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार सिर्फ कौमी तरक्याती कामों के लिए कर्जे लिए। पहले हम न सिर्फ तरक्याती जरूरियात बल्कि गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी कर्ज लेते थे। ये कर्जे हमें मुआशी तनजुली की तरफ ले जा रहे थे, जहां हमें रोजमर्रा अखराजात पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता था। इन कर्जों पर मुनाफे की अदायगी में बजट का ताखीर हिस्सा खर्च करना पड़ता था। ये तब्दीली अच्छे मालियाती इंतजाम मुहासिल रेवेन्यू में बढ़ाने पर मुस्तकिल तवज्जो और गैर तरक्याती अखराजात में कमी करने से हासिल हुई। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं जनाब स्पीकर। किसी भी हुकूमत या अदारे के लिए तरक्याती मकासद के लिए कर्ज लेने में कोई आर नहीं, क्योंकि उसके समाजी और मुआशी फवायद उस पर दिए जाने वाले मार्कअप से कहीं ज्यादा होते हैं।
पाकिस्तान के अवाम और मुल्क के बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी से तेज तर, पायदार और इज्तमाही तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को इस बात से भी आगाह करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के जनरल इलेक्शन 2013 के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान ने सितंबर 2016 तक का इस्लाहाती प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस दौरान मुल्क में इंतहाई अहम और मुश्किल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को अमली जामा पहनाया गया। इस प्रोग्राम की तकमील से बैनल कौमी बरादरी का हमारे मुआशी एजेंडे से पर एतमाद मुल्क के लिए फाइनेंशियल मल किया, जिसके नतीजा माली साल 12-13 के 8.2% था, साल 4.2% मसूलात दी जाएगी। और इसके साथ साथ इसहाक डार का ये भी कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हमने सिर्फ 10% इजाफा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी असम्बली से, जहां पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेरे सदारत कौमी असम्बली का बजट वहां पे पेश किया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार बजट पेश कर रहे थे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया गया है? जी, आज वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी बजट तकरीब में यह ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जा रहा है, जबकि उनके जो दो बुनियादी पहली बार 40,000 रुपए मालियत के रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड का इजरा किया गया। माली साल 17-18 में मुख्त मालियत के दीगर रजिस्टर्ड बॉन्ड भी इंशाअल्लाह मुतारफ कराए जाएंगे। ये कामयाबियाँ जो मैंने आपको गिनवाई, ये गुज़श्ता 4 साल के दौरान हुकूमत के बरवक्त लेकिन मुश्किल फैसलों का नतीजा है। हम इस्लाहात का सफर जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। अब भी रवां साल के दौरान हुकूमत की तरफ से की गई कई इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हाल ही में हमने ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OGP के लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। OGP 70 से ज्यादा ममालिक बशमूल तरक्की याफ्ता G20 की आलमी शराकत दारी का मुआहदा है। कोई भी मुल्क जो इसमें रुकने का इरादा रखता हो, एक खास मियार पर पूरा उतरने के बाद उसको इन्विटेशन रुकने के लिए हासिल होती है। हमें इस मियार को 16 में से 15 शायद पूरा करने पर 7 दिसंबर 2016 को OGP में शमूलियत के लिए पाकिस्तान को मदऊ किया गया। था कि हम OECD के मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स पर दस्तखत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यह एकदम टैक्स चोरी के खिलाफ हम पर मुबनी था। जनवरी 2014 में वफाकी काबीना से कन्वेंशन में शमूलियत की मंजूरी के बाद हमने इस सफर का आगाज किया। इस कन्वेंशन की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ने पाकिस्तान कवानीन का जायजा, उनकी सिफारशात की रोशनी में हमने फाइनेंस बिल्स 2015 और 2016 के जरिए इसी पार्लियामेंट में इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीलियां करवाईं, जिसके बाद पाकिस्तान को जुलाई 2016 में इस कन्वेंशन में शामिल करने की दावत मौसूल हुई। और 14 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने इस कन्वेंशन में पाकिस्तान की शमूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में आने वाले सालों में इंशाअल्लाह हमारे टैक्स के मामलों में बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी ज़्यादा तफसीलात हासिल हो सकेंगी। इससे हमारे टैक्स गवर्नेंस में बेहतरी आएगी और टैक्स चोरी का मौसर सदबाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट जो स्विट्जरलैंड के साथ है, इसको 2005 में मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ, जिस पर 2008 में अमल दरामद शुरू हुआ। ताहम ये मुआहदा इंफॉर्मेशन के लिए आलमी मेयार के मुताबिक ना था और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लिहाजा अगस्त 2013 में काबीना और हुकूमत ने इस मुआहदे पर नजरसानी का फैसला किया और इसके जो रेलिवेंट आर्टिकल है उसमें तब्दीलियाँ स्विट्जरलैंड की हुकूमत को तजवीज़ की। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के बाहमी मुजाकरात के बाद ये मुआहदा 21 मार्च 2017 को तय पा गया। ये तरमीम शुदा मुआहदा रेटिफिकेशन के मराहल में है, जिसके बाद ये काबिले अमल हो जाएगा। इस मुआहदे के तहत टैक्स मकासद के लिए माली खातों और बैंकिंग की मालूमात दरियाफ्त करनी मुमकिन होंगी। मैं यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि इस मुआहदे की शरायत के तय होने की तवक्को से ज़्यादा तखीर इस वजह से हुई कि स्विस हुकूमत इसके बदले गैर मामूली रायतों की ख्वाहिशमंद थी और मांग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोई भी नई रियायत देने के बगैर
इस माहदे को 21 मार्च 2017 को अल्हम्दुलिल्लाह साइन किया और अभी ये रेटिफिकेशन प्रोसेस में है। जनाब स्पीकर, इन इकदाम की बदौलत ना सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख में इजाफा हुआ बल्कि अकाम आलम को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान हर सतह पर ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और एहतसाब में यकीन रखता है। बुनियादी मुआशी कारकर्दगी के जिन आदाद शुमार का मैंने जिक्र किया है उनसे ये बात वाजे हो जाती है कि पिछले 4 साल में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद हमारी हुकूमत का फोकस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक हायर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है। पिछले 4 सालों के दौरान की जाने वाली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में मैंने चंद का जिक्र किया। अगले माली साल में अब तक जो इकोनॉमिक गेंस हैं उनको हमने ना सिर्फ कंसोलिडेट करना है पर इंशाल्लाह मिलकर उनके ऊपर मजीद बिल्ड करना है और मजीद बेहतरी इंशाल्लाह पाकिस्तान में लानी है। ये हमारी अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में अगले साल के चंद अहम अहदाफ का मैं जिक्र करूंगा। माली साल 17-18 में GDP की शरह 6% का इजाफा रखा गया है टारगेट। इन्वेस्टमेंट टू GDP 17%। PSTP तरक्याती जो प्रोग्राम है उसके ऊपर अनप्रेसिडेंटेड 1001 बिलियन की एलोकेशन है। इन्फ्लेशन का हदफ 6% से कम है। बजट खजाना इंशाल्लाह 4.1% तक रखने की प्लान है। इसमें जो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से करीबन 90 से 100 अरब सालाना खर्च हो रहा है वो 0.3% शामिल है, वरना ये हदफ 3.8 भी हो सकता है। टैक्स टू GDP 13.7%। ज़र मुआवजा के जखायर 4 माह की दरामद के बराबर। नेट पब्लिक डेट टू GDP को कानून के दायरे के अंदर 60% तक रखना। सोशल सेफ्टी नेट के इकदाम को जारी रखना। जनाब स्पीकर, जिन अहदाफ का मैंने अभी जिक्र किया उनके असूल के लिए हमने एक बजट स्ट्रेटेजी तश्कील दी है जिसकी तफसील कुछ यूं है। FPR के रेवेन्यू टारगेट्स में 14% जबकि वफाकी अखराजात में 11% तक का इजाफे का प्लान है। नंबर 2, वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूलियों में 7% का इजाफा। नंबर 3, करंट एक्सपेंडिचर को काबू में रखते हुए हम तरक्याती बजट में मजीद इजाफा करने के काबिल होंगे। अगले माली साल जैसे मैंने अर्ज किया कि तरक्याती प्रोग्राम 1001 अरब रुपए पर तजवीज़ किया गया है। यह रकम मौजूदा माली साल के नजर सानीशुदा रिवाइज एस्टीमेट 715 अरब के तखमीने से 40% ज्यादा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जनाब स्पीकर अगले साल 40% ज्यादा रखा जा रहा है 715 के मुकाबले में 1001 अरब। और अगर इसमें सूबाई तखमीना शामिल करें तो 17-18 का तरक्याती बजट पाकिस्तान का 2100 अरब से तजावत कर जाएगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, नंबर 4, इनके साथ साथ करंट एक्सपेंडिचर में इजाफा अफरात शरह यानी इन्फ्लेशन की शरह से कम रखा जाएगा। नंबर 5, ज़रात माली शोबे बरामदात टेक्सटाइल समाजी शोबे और रोजगार के लिए नए इकदाम का ऐलान किया जा रहा है। इसका मकसद मुआशी सरगर्मियों में मजीद इजाफा करना, रोजगार के नए मौके पैदा करना और आवाम की आमदन में मजीद बेहतरी लाना है। इन इकदाम की तफसील मैं अभी थोड़ी देर में पेश करूंगा। जनाब स्पीकर, नंबर 6, ज़रात स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा जात को मजीद फरोग देने के लिए टैक्स मुराद का ऐलान किया जा रहा है। नंबर 7, वज़ीर नवाज शरीफ की क्यादत और कैबिनेट कमेटी बराए तवानाई के जरिए उनकी जाती निगरानी में 2018 के मौसम गर्मा में मौजूदा 5 साल मुद्दत के इख्तिताम तक तकरीबन 10,000 मेगावाट इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से इससे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। नंबर 8, एयरपोर्ट हस्पताल और पानी साफ करने के प्लांट समेत ग्वादर की तरक्की के लिए सरमायाकारी की जाएगी। तकरीबन 55 लाख ऐसे खानदान जिनके पास जरिया मुआश नहीं उनके लिए सालाना 19,338 रुपये फी खानदान बजरिया खातून खाना माली मुआवजा जारी रखी जाएगी। इस मकसद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 121 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है जो कि 2013 के 40 अरब के मुकाबले में 300% है। ये सफर हमने 4 साल में तय किया है। सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर के हवाले से 2013 में मुस्तफीद होने वाले खानदान जो तादाद 37 लाख थी अब अल्हम्दुलिल्लाह 55 लाख हो जाएगी। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के 13 लाख बच्चों की माली मुआवनत भी है तो 55 + 13 जनाब स्पीकर 68 लाख फ्रॉम 37। जनाब स्पीकर, नंबर 10, हुकूमत 300 यूनिट महाना बिजली इस्तेमाल करने वाले कम आमदन सार्फीन के बिजली के बिलों की अदायगी सब्सिडी की सूरत में जारी रखेगी।
बलोचिस्तान के किसानों के लिए जरी ट्यूबवेलों के बिजली के इस्तेमाल पर वफाकी हुकूमत सब्सिडी जारी रखेगी, जबकि पूरे मुल्क में जरी ट्यूबवेल के लिए 5.35 रुपए फी यूनिट ऑफ पीक रेट आइंदा माली साल में भी जारी रहेगा। जनाब स्पीकर, ये पिछले साल अनाउंस हुआ था। इस इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के मद में हमें बजट में 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब की मुख्तलिफ स्कीमें जो कि बिजनेस लोन स्कीम, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम, ट्रेनिंग स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फीस रीइंबर्समेंट प्रोग्राम, लैपटॉप प्रोग्राम के लिए इस बजट में भी दोबारा पिछले साल की तरह 20 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। ये कौम एक अच्छे और रोशन मुस्तबिल के मुस्तहिक है। इस सिलसिले में इस बजट में अब कुछ खसूसी तजावीज पेश की जाती हैं। फ्लाई स्कीमें, गुरबत से बाहर आने वालों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कारोबार शुरू करने के लिए खसूसी ग्रांट, फूड एनर्जी इनटेक मेथोडोलॉजी के तहत 2002 में गुरबत का सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की 34.7% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही थी, जो कि कम होकर 2014 में 9.3% हो गई। ताहम पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड CBN फार्मूला पर भी गुरबत नापने के लिए तरीके को अपनाया। इसको ग्लोबल एजेंसीज ने इसका पूरा काम किया। इस तरीका कार के मुताबिक 2002 में गुरबत की शरह 64% से ज्यादा थी, जो कि 2014 में कम होकर 29.5% रह गई है। जहां हुकूमत मुआशे के कम आमदन तबकात को मुआशरती तहफ़ फराहम कर रही है, वहीं सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों के नए हुनर सीखने और अपने करने की हौसला अफजाई भी हो रही है, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इस सिलसिले में हुकूमत एक नई स्कीम मुतारफ करवा रही है। आइंदा साल से मुस्तफीद होने वाले ऐसे खानदानों की तरबियत और 50,000 रुपए की माली मामनत फराहम की जाएगी, जो अपना जाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस तरह वो इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट कर जाएंगे और इब्तदाई तौर पर ये 2.5 लाख खानदानों को ये ग्रांट देने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, दूर दराज इलाकों को बिजली की फराहमी, बिजली के तहसीली निजाम से दूरी पर बसने वाले छोटे शहरों के मकीनों को बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत वर्ल्ड बैंक के तआवुन से सोलर एनर्जी से चलने वाले ऑफ ग्रिड निजाम मुतारफ कराएगी। इस इकदाम में बलोचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर, जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारे मुल्क के लोगों और मईशत के लिए इंतहाई अहम है। देही मईशत यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़राअत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2015 में 341 अरब रुपए पर मबनी एक जामे किसान पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत चावल और कपास पैदा करने वाले किसानों के लिए बिलावास्ता इमदाद, जरी मशीनरी की दरामद पर टैक्स में 45% को कमी करके 9%, कूल चेन मशीनरी पर सेल टैक्स में 17% से कमी करके 7%, जरी इजनास के ताजरों के लिए 3 साल की टैक्स छूट, शमसी ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए बिला सूद कर्जे, जरासीम पेस्टिसाइड और बीज पर सेल टैक्स में कमी, जरी कर्जों पर सूद में कमी, फसलों का कम लागत बीमा और जरी कर्जों के हुजम में इजाफे शामिल थे। जरी शोबा में मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत ने 2016-17 के बजट के जरिए कई नए सपोर्टिव इकदाम भी किए, जिनमें क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, डेयरी मसनूआत, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री स्कीम पर कस्टम ड्यूटी में रियायत, जरासीम कुछ अदवायात पर सेल टैक्स का खात्मा, कूल चेन मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा और खाद की कीमतों में काबले जिक्र कमी। नतीजतन यूरिया की खाद पिछले साल बजट की अनाउंसमेंट के बाद 18 रुपए से कम होकर फी बोरी 14 रुपए और DAP 45 से कम होकर 25 रुपए हुई। खाद की कीमतों में ये कमी टैक्सों में छूट और कैश सब्सिडी के जरिए मुमकिन हुई। इन इकदाम का बेहतर नतज का अंदाजा खाद की खपत और जरी पैदावार में इजाफे से लगाया जा सकता है, जो कि 0% इंक्रीज से 3.46% इंक्रीज अल्लाह के फल से इस साल हुआ। इन इकदाम की वजह से पिछले साल जमूत का शिकार रहने वाली जरी शोबे में मौजूदा साल यानी 2017 के दौरान जो 3.46% की शरह से तरक्की है, ये तमाम स्कीमें जिनका मैंने जिक्र किया, जो वजीर जो आपने पिछले साल दी, उसके बाद पार्लियामेंट में हमने उसको मजीद इजाफा किया, वाइंडिंग ऑफ स्पीच के जरिए मजीद इजाफा किया, वो तमाम स्कीमें जो हैं वो 2017-18 आने वाले माली साल में जारी रहेंगी। आइंदा बजट में कुछ नए इकदाम भी तजवीज किए जा रहे हैं। जरी कर्जों के लिए मार्कअप, इस वक्त जरी कर्जों में मार्कअप 14-15% के करीब है। इस बात का ऐलान करते हुए खुशी है कि 1 जुलाई 2017 से जरी तरक्याती बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नई स्कीम के तहत
12.5 एकड़ राजी रखने वाले किसानों को 9.9% सालाना की कम शरह पर जरी कर्जे देंगे। स्कीम की खसूसियात कुछ यूं हैं, फी किसान 50,000 रुपये कर्जा होगा, 20 लाख कर्जे जरी तरक्याती बैंक, नेशनल बैंक और दीगर बैंक मुहैया करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस नई स्कीम पर अमल दरामदी को इंश्योर करेगा। जनाब स्पीकर, जरी कर्जों के हदफ में इजाफा, पैदावारी लागत के इस्तेमाल में छोटे किसानों को जरी कर्जों की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसानों की सहूलत के लिए माली साल 17-18 में जरी कर्जों का हुजम पिछले साल के 700 अरब से बढ़ाकर 1,001 अरब किया जा रहा है, जो कि कर्जों के हुजम में 43% इजाफा है। मैं मोजज रकीन पार्लियामेंट की इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जरी कर्जों का हुजम वफाकी तरक्याती बजट 17-18 जो कि 1,001 बिलियन है, ये उसके बराबर है। यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए 1,001 बिलियन और जरी जो लोन है जरात की बेहतरी के लिए वो भी 1,001 बिलियन इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, खाद की कीमतों में इस्तेहकाम, किसानों की मजीद आसानी के लिए हुकूमत ने नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी के पास दस्तयाब जितनी इंपोर्टेड यूरिया है उसको 1,000 रुपये फी बोरी की रियायती कीमत पर फरोख्त करने का फैसला किया है। नंबर 2, DAP पर दी जाने वाली सब्सिडी की फराहमी में आसानी की खातर ये फैसला किया गया है कि DAP पर जो फिक्स सेल टैक्स है उसको 400 रुपये से कम करके 100 रुपये किया जाए। इस मद में खजाने को करीबन 13.8 अरब रुपया यानी उसका बोझ बर्दाश्त करना होगा। माली साल 17-18 में टैक्स में कमी और सब्सिडी के जरिए यूरिया की ज्यादा से ज्यादा जो फी बोरी कीमत मुकर्रर की गई थी वो 1,400 रुपये है, जिसको बरकरार रखा जाएगा। इस मद में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो 11.6 बिलियन होगी। इसी तरह नंबर 5, टैक्सों में रद्दोबदल के जरिए NP, NPK, SSP और कैन की कीमतें भी, खाद ये तमाम खादे हैं, इनकी कीमतें भी अपनी मौजूदा सतह पर बरकरार रखी जाएंगी। हुकूमत अगर कैश सब्सिडी देनी होगी कैश देगी, या अगर सेल टैक्स में कंट्रोल करना होगा तो उसको करेगी। जनाब स्पीकर, कर्जों की वसूली के लिए ओनरशिप जो लैंड है उसका रिकॉर्ड का इस्तेमाल, किसानों के लिए कर्जों के असूल में आसानी पैदा करने के लिए स्टेट बैंक ऐसे इकदाम कर रहा है जिनके जरिए बैंकिंग लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से यानी लिंक कर दिया जाए, ताकि जायदाद जो फार्मर्स रखना चाहें एज कोलेट्रल उसके लिए उनको सहूलियात मुयसर हों। खुद का रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिक और इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस, इसके जरिए किसानों को बैंकों से कर्जा लेने में सहूलत होगी। प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री का क्याम जेर अमल है, जिससे किसानों को आला मियार का नया बीज इंशाल्लाह दस्तयाब होगा। इसका मकसद मुल्क में फसलों की पर एकड़ यील्ड को बढ़ाना है। जरी ट्यूबवेलों के लिए सस्ती बिजली, हुकूमत ऑफ पीक आवर्स में जरी ट्यूबवेलों को जैसे मैंने अर्ज किया 5 से 35 पैसे फी यूनिट की कीमत पर सस्ती बिजली फराहम की जा रही है। इस सहूलत को 17-18 साल इसको जारी रखा जाएगा और इस माह में करीबन 27 अरब रुपए खर्च होंगे। नंबर जी, प्रोडक्शन इंडेक्स यूनिट, ये वो है जिसके बेसिस के ऊपर कर्जे को कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी कोलेटरल कितनी है। ये इसका PIU जो था 4,000 रुपये से बढ़ा के 25% बढ़ा के इसको 5,000 रुपये किया जा रहा है। इससे किसानों को बैंकों से ज्यादा कर्ज लेने के लिए इसमें मदद होगी। जरी शोबे के टैक्सों पर इमदादी इकदाम, कंबाइंड हार्वेस्टर, मुल्क में कंबाइंड हार्वेस्टर के इस्तेमाल का रुझान बढ़ा है, ताहम इस वक्त 20 से 30 साल पुराने हार्वेस्टर दरामद किए जा रहे हैं जो कि इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी वजह से कटाई में 10% तक नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को कम करने के लिए जरी मशीनरी की इंपोर्ट की हौसला अफजाई का फैसला किया गया है। इस जमन में कंबाइंड हार्वेस्टर की नई और 5 साल तक इस्तेमाल शुदा मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स को खत्म किया जा रहा है। इंपोर्टेड सूरजमुखी और कैनोला की हाइब्रिड बीज पर भी GST टैक्स को खत्म किया जा रहा है। पोल्ट्री के लिए दरामद की जाने वाली मशीनरी पर सेल टैक्स की शरह को 17% से कम करके 7% किया जा रहा है। इसी तरह 3 से 36 हॉर्स पावर जरी डीजल इंजन ब्रैड ट्यूबवेल, जिन पर सेल टैक्स की शरह 17% थी, उस सेल टैक्स को खत्म किया जा रहा है और जीरो किया जा रहा है।
जनाब स्पीकर, टेक्सटाइल का शोभा पाकिस्तान मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और रोजगार, खाम माल की खपत, बरामदात और मजमुई कौमी पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि हुकूमत ने 20-13 साल इस शोबे के लिए खसूसी पैकेज फराहम किए। यहाँ मैं उनमें से चंद इकदाम का जिक्र करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी 11.4 से कम करके 5%, टेक्सटाइल मशीनरी की ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत, शोभा टेक्सटाइल के लिए बिला तातुल बिजली और गैस की फ्राहमी यानी नो लोड शेडिंग, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड की स्कीम 2016-19 मुतारफ कराई गई और नंबर 5 जनवरी 2017 में PM पैकेज फॉर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर का ऐलान किया गया जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को मरकजी हैसियत हासिल थी और ये जो पैकेज है वो 180 अरब रुपए पर ये मुश्तमिल है और ये जून 2018 तक लागू है। नंबर 6, हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स बशमूल टेक्सटाइल, चमड़ा, खेलों का सामान, सर्जिकल गुड्स और कारपेट्स को 0 रेटेड सेल टैक्स रजीम में शामिल किया। ये सहूलत आइंदा साल भी जारी रहेगी। यहां पे स्पीकर, नंबर 7, इसी तरह टेक्सटाइल मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद जिसका पिछले बजट में ऐलान किया गया था, इसको फैसला किया गया कि इसको अगले साल भी जारी रखा जाए। जनाब स्पीकर, माली साल 16-17 के दौरान मुतारफ कराए गए इकदाम आइंदा साल भी जारी रखे जाएंगे। अपनी सबका रवायात को कायम रखते हुए शोभा टेक्सटाइल के फरोग के लिए बजट 17-18 में मंदरजा जैल मजीद इकदाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। नंबर 1, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कपास की कीमत में इस्तेकाम के लिए कॉटन हेज ट्रेडिंग का आगाज किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद हुकूमत टेक्सटाइल के लिए ब्रांड डेवलपमेंट फंड का आगाज करेगी। नंबर 3, 1000 सिलाई मराकज के क्याम की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस स्कीम पर माली साल 17-18 में इसको अमल दरामद शुरू किया जाएगा और ये स्कीम 3 सालों में मुकम्मल होगी। नंबर 4, टेक्सटाइल मशीनरी पहली मरतबा टेक्सटाइल के शोभा के लिए बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन टेक्सटाइल ट्रेड पोर्टल का आगाज करेगी। इस अमल में पाकिस्तान की टेक्सटाइल वैल्यू चेन आलमी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से हम आहंग हो जाएगी। जनाब स्पीकर, आलमी तजारत में मंदी और इजनास की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान की बरामदात में मुश्किल पेश आई। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने कुछ जो इकदाम किए हैं वो उसका मैच करता हूं। ये तमाम इकदाम अगले साल भी जारी रहेंगे। नंबर 1, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पे मार्केट फैसिलिटी जो है 3%, ये जारी रहेगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी जो इस वक्त 6% और 5% है, जनरल इंडस्ट्री 6, टेक्सटाइल 5, ये भी जारी रहेगी। और इसके अलावा नए इकदाम कुछ लिए जा रहे हैं। नंबर 1, खाम खालों पर रॉ हाइट्स, इस पर कस्टम ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। आला दर्जे की चमड़े की मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टैंपिंग फॉइल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मंडियों से दूरी के बायस चावल बरामद करने वालों को मुश्किलात का सामना है। चावल की बरामद में सहूलत के लिए पाकिस्तान से बाहर चावलों की वेयर हाउसिंग इजाजत देने का असूली फैसला कर लिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक और रीप राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिलकर इस स्कीम की तफसीलात तैयार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हाउसिंग का शोभा, रिस्क शेयरिंग गारंटी स्कीम, मुल्क में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा मकानात की कमी है। हर साल मकानों की डिमांड में मजीद 3 लाख का इजाफा हो रहा है। तवील उल मुद्दत कर्जे की दस्तयाबी इस सिलसिले में एक बड़ी रुकावट है। बैंक लंबी मुद्दत के कर्जे देने से घबराते हैं। घर बनाने में हायल इस रुकावट को दूर करने के लिए रिस्क शेयरिंग गारंटी स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग पर हुकूमत बैंकों और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 40% तक के लोन को क्रेडिट गारंटी करेगी। इस मकसद के लिए इस बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस सहूलत को माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए मुहैया करने का भी फैसला किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात पूरी करने के लिए मुश्किल बुनियादों पर तरक्याती अखराजात में इजाफा किया है। सरकारी शोभा में इंफ्रास्ट्रक्चर की माली जरूरियात पूरी करने के साथ साथ हुकूमत मुख्तलिफ कवायद और पॉलिसी तब्दीलियों के जरिए निजी शोभा की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी का हौसला अफजाई भी कर रही है। इन इकदाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए न्यू रेगुलेशन और नए अदारों का क्याम शामिल है। नए अदारों में पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड, इसको फाल किया जा रहा है। ये फंड जो है फाइनेंशियली वायबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे उसको ये उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये बैनुल कौमी डेवलपमेंट पार्टनर्स ने भी इस फंड के जरिए अपनी इस फंड में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। बी, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक,
निजी शोबे के काबिलियत मंसूबों को इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में कर्ज फ्राहम करने के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कायम किया जा रहा है। इस बैंक में पाकिस्तान 20% हिस्सा होगा, जबकि IFC जो वर्ल्ड बैंक का अदारा है वो भी 20% शराकत दार होगा। बाकी जो इसका 60% होंगे वो दूसरे निजी अदारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर होंगी। ये बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जदीद तरीकाकार को मुतारफ कराने में मददगार साबित होगा, जैसे कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट का क्याम, कंटिजेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स की तश्कील जिसमें क्रेडिट डिफॉल्ट, क्रेडिट गारंटी स्वाप, फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी और रीफाइनेंसिंग ऑप्शन शामिल हैं। सी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद नाफज हो चुका है। ये एक्ट मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फाइनेंसिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुहैया करता है। इससे हुकूमत निजी शोबे की शराकत के साथ बड़े मंसूबों की तकमील करवा सकेगी। मालियाती शोबा, हालिया सालों में हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजीद बेहतरी के लिए मंदरजा ज़ैल इकदाम किए जा रहे हैं। ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज्यादातर लोगों को माली सहूलियत की दस्तियाबी के लिए हुकूमत नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी पर अमल कर रही है। इस सिलसिले में आइंदा साल मंदरजा ज़ैल एक्शन लिए जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए कम आमदनी वाले तबकों को कर्ज की फराहमी के लिए स्टेट बैंक में 8 अरब रुपए से फंड कायम किया जाएगा। मोबाइल बैंकिंग ई गेटवे सिस्टम के लिए के जरिए अदायगियों को आसान बनाने के लिए हुकूमत ने 2 अरब रुपए की लागत से स्टेट बैंक में जदीद ई गेट सिस्टम कायम करने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत मुतलका अदारों को फनी तरबियत भी फराहम की जाएगी। नंबर 3, ब्रांचलेस बैंकिंग से जो रकूम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स है, ब्रांचलेस बैंकिंग यानी ई वॉलेट, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स को खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान की हुकूमत ने KFW डिफिट के साथ मिलकर इसको आगाज किया, जिसका मकसद छोटे लोगों को कर्जा देना और इजाफी सरमाया फराहम करना है। उम्मीद है कि इस छोटे माइक्रो फाइनेंस छोटे कर्जों की तादाद जो है अगले 3 साल में दुगनी हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। अवाम को कुदरती आफात से निपटने और इस हवाले से तैयार रहने में मदद देने के लिए ये फंड कायम किया गया है। इस सिलसिला में 52 अरब 58 करोड़ रुपए से एक एंडोमेंट फंड कायम कर दिया गया है। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस छोटे कारोबार की तरक्की में काफ़ी रुकावटें हायल हैं। अगर कोई तरक्की हुई है तो गैर रस्मी शोबा में हुई है। इस सिलसिले में मंदरजा ज़ैल नए इकदाम का ऐलान किया जा रहा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के शोबा में सबसे बड़ा मसला कर्ज की दस्तियाबी है। आमतौर पर बैंक SMEs को कर्ज देने से कतराते हैं क्योंकि उसमें हाई रिस्क होता है। बैंक्स को SMEs के लिए कर्ज देने की सहूलत पैदा करने के लिए हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3.5 अरब रुपए से एक SME के लिए रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी मुतारफ करने का फैसला किया है। इसके तहत इस्लामी और रवायती तरीके से कर्ज दिए जाएंगे। इनोवेशन चैलेंजेस फंड। मार्केट की बदलती हुई जरूरियात से मुताबिक के लिए लाजमी है कि छोटे कारोबार जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करें। सप्लाई चेन या छोटी संदों की टेक्नोलॉजी में मुसलसल जिद्दत और बेहतरी उनके मुनाफा बख्श रहने के लिए जरूरी है। इन जरूरियात के पेश नजर हुकूमत SMEs के लिए 500 मिलियन रुपए का एक इनोवेशन चैलेंजेस फंड के क्याम का ऐलान कर रही है। इस फंड का इंतजाम पाकिस्तान की अहम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के तावन से पेशा वराना तर्ज पर किया जाएगा। सिक्योर ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री। SME और ज़राअत के लिए कर्ज की फराहमी की खातर हुकूमत ने पार्लियामान से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 मंजूर करवाया है। इस कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री कायम की जाएगी जिसके जरिए SME और ज़राअत के शोबे में छोटे बोरोज अपने मनकूला यानी जायदाद के इवज कर्ज हासिल कर सकेंगे। वाकई हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान इस रजिस्ट्री का क्याम अमल में लाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जरी और सनती इनकलाब के बाद दुनिया अब इंफॉर्मेशन के इनकलाब से गुजर रही है। तकरीबन हर शोबा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। खवा व शोबा मुआसलात, बैंकिंग, तजारत, तालीम, तफरी, ई कॉमर्स, हुकूमत या इंतजामिया का हो, जिस तरह मशीनों ने इंसान की काम करने की सलाहियत में इजाफा और आसानी पैदा की, इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंसान की जहनी काबिलियत में इजाफे का बायस भी बन रही है। मुस्तकबिल में ममालिक के दरमियान सनती और गैर सनती की बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर फर्क देखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान इस सूरत हाल से बाखबर है और इस जमन में माजी के दौरान कई इकदाम किए जो कि आइंदा साल भी जारी रखेंगे। इस सिलसिले में नए इकदाम मंदरजा ज़ैल हैं।
ए जनूबी कोरिया के तावन से 6 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में एक IT सॉफ्टवेयर पार्क कायम किया जा रहा है। इस सिलसिले में माली इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और तामीरती काम बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। बी नए कायम होने वाली IT कंपनीज को पहले 3 साल इनकम टैक्स की छूट होगी। सी इस्लामाबाद और दीगर वफाकी इलाका जात यानी फेडरल एरिया फाटा GB इसमें IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स माफ किया जा रहा है। डी IT कंपनीज और हाउसेस को इस शर्त पर पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज खोलने की इजाजत दी जाएगी कि वो अपनी आमदन को बजरिया रिमिटेंसेस इन खातों में जमा करवा सके। ये अकाउंट बैरून मुल्क कारोबारी अदायगियों के लिए इस्तेमाल होंगे। जनाब स्पीकर इस वक्त इसकी इजाजत नहीं है। ई IT कनेक्टिविटी में मोबाइल फोन्स एक अहम जुज हैं। आम आदमी की सहूलत के लिए मोबाइल कॉल पर विदहोल्डिंग टैक्स को 14% से कम करके 12.5% और एक्साइज ड्यूटी को 18.5% से कम करके 17% करने का फैसला किया गया है। हमें उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें भी इस शरह से मोबाइल कॉल्स पर अपने सेल टैक्स ऑन सर्विसेज में कमी करेंगी। एफ जदीद स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए मौजूदा कस्टम ड्यूटी 1000 रुपए से कम करके 650 रुपए की जा रही है। जी मोबाइल टेलीफोन कंपनियों के सामान की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम की जा रही है। तरक्याती प्रोग्राम PSTP इस साल का तरक्याती प्रोग्राम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक है, जो कि हायर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का हसूल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, फूड सिक्योरिटी, वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट पर मुश्तमिल है। वाकई हुकूमत के तरक्याती अखराजात 2012-13 324 बिलियन के मुकाबले में 3 गुना होकर 1001 रुपए की जो तजवीज है, ये पिछले माली साल के नजरसानीशुदा रिवाइज एस्टिमेट से 40% ज्यादा है। वफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम का मजमुई हजम 1539 रुपए से बढ़ के 2113 अरब किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि हुकूमती शोबा ने अपने तरक्याती अखराजात में 37% का इजाफा किया है। इससे मईशत में लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। तरक्याती अखराजात में इजाफे से निजी शोबे में भी सरमायाकारी में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। माजी में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों को नजरअंदाज किया जाता रहा, हमारी हुकूमत ने इस रवायत को यकसर बदल दिया। आज वफाकी तरक्याती बजट का बेशतर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के लिए मुख्तस किया जाता है। ये हमारी मुआशी पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली है। ये तब्दीली हमारे मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की के अहदाफ की बुनियाद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल PSTP का 67% मुख्तस किया है। अव्वलीन तरजीह ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबा को दी गई है, जिसके लिए 411 अरब मुख्तस किए गए हैं। इसमें कौमी शाहराहों के लिए नेशनल हाईवेज के लिए 320 अरब रुपए, रेलवे के लिए 43 अरब रुपए और दीगर मंसूबे एविएशन के लिए 44 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर 19 साल के वक्फे के बाद मर्दशुमारी का अमल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो फील्ड का काम है मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त उसका ऑफिस कंप्यूटेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से आबादी के तनासब में कोई बड़ी तब्दीली मतवक्को नहीं। हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा 20 साल से कम उम्र नौजवानों पर ही मुश्तमिल रहेगा। इसलिए हमारे तरक्याती प्रोग्राम की तवज्जो इंसानी और समाजी सरमाए की तरक्की, तालीम, सेहत, खवातीन को बाख्तियार बनाने, गुरबत के खात्मे, रोजगार के मौके पैदा करने और अदम मसावत खत्म करने पर मरकूज है। जनाब स्पीकर अब मैं वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट के चंद अहम प्रोग्राम पर रोशनी डालूंगा। एनर्जी तवानाई की कमी तेज तर तरक्की की राह में रुकावट है। हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे के लिए, जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि अंत तक मेहनत कर रही है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खुद उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। हमने 2018 तक जो 10,000 मेगावाट की इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी और इसके बाद 2018 के बाद 15,000 मेगावाट के मंसूबों पर अमल दरामद मुख्तलिफ स्टेजेस पर हो रहा होगा। जनाब स्पीकर ये एक बहुत बड़ी बात है, ये नहीं है। ये मुल्क वो था जो 1200 मेगावाट सरप्लस था 1999 के कू के वक्त, और ये 5 से 6 हजार डेफिसिट हो गया और इसमें 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई। अगले साल ये लोड शेडिंग हिस्ट्री होगी और उसके बाद 15,000 मेगावाट मजीद इंशाल्लाह उसके ऊपर फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है।
जिसमें आपका दासू है, इस आपका K2K3 सिविल न्यूक्लियर है और कई और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और LNG या दूसरे मंसूबे हैं। तो इसमें इस जमन में हुकूमत एनर्जी के शोबे की तरक्की के लिए 401 रुपए की तजवीज कर रही है। इसमें बापडा के 317 रुपए की सरमायाकारी शामिल है। इसके अलावा एक नया प्रोग्राम एनर्जी फॉर ऑल मुतारफ किया जा रहा है, जिसके लिए तय तौर पर 12.5 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जिन बुनियादी असूलों पर हुकूमत सरमायाकारी करेगी वो मंदरजा जैल है। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले मरहले इस मंसूबे के तहत 2160 मेगावाट बिजली पैदा होगी। LNG से बिजली बनाने वाले दो मंसूबे बल्लों की और हवेली बादशाह के लिए करीबन 70 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। दोनों मंसूबों से 2400 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को मुहैया होगी। द्यामर भाषा डैम की तमीर के लिए 21 अरब मुख्तस किए गए हैं। इस डैम से 4500 मेगावाट इंशाल्लाह बिजली मुस्तकबिल में मतवक्को है। नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 19.6 अरब मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट से 969 मेगावाट इंशाल्लाह 17-18 के साल में शामिल होगी। तरबेला 4 हाइड्रो पावर 4 की जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसके लिए 16.4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिससे 1410 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा होगी। जाम शोरों में 1200 मेगावाट पैदावार सलाइती के हामिल कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 16.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा कराची में 2200 मेगावाट पैदावार सलाइत के हामिल 2 एटमी तवानाई K2K3 मनसूबे, 600 मेगावाट के चश्मा सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अलावा वो उन पर काम जारी है। जनाब स्पीकर, बिजली की पैदावार मांग में फर्क हमारा चैलेंज का सिर्फ एक पहलू है। माजी में बिजली की तरसील और तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन उसमें कोई अहम सरमायाकारी नहीं की गई। नतीजतन अगर हम बिजली की पैदावार को बढ़ा भी लें तो सार्फिन तक बिजली पहुंचाने के लिए काबिल नहीं होंगे। इस साल हम सूरत हाल की बेहतरी के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। मटियारी लाहौर से ट्रांसमिशन लाइन की तमीर की जा रही है। इसके अलावा ग्रिड स्टेशन और तहसील निजाम में भी भरपूर सरमायाकारी की जा रही है। पानी, अगर पानी के शोबा में सरमायाकारी ना की गई तो पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हुकूमत तरजीह बुनियादों पर डैम बनाने और नहरों और वाटर कोर्सेज को तमीर और बेहतर करने पर तवज्जो दे रही है। ऊपर बयान किए गए जो अभी मैंने अर्ज किए बड़े मंसूबों के अलावा पानी के शोबा में हुकूमत 38 अरब रुपए एलोकेट कर रही है। इस बजट में ज्यादातर हिस्सा RBOD 1, RBOD 2 और कच्ची कैनाल पर खर्च होगा। मुश्तरका तौर पर इन तीनों मंसूबों पर 17.7 अरब रुपए लागत आएगी और इनके अलावा सूबों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पानी के कई नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। कौमी शाहराहें, नेशनल हाईवेज, पाकिस्तान अपने महले वकूक की वजह से पूरे खित्ते को आपस में मिलाने की सलाहियत रखता है। इस कुदरती तौर पर हासिल हैसियत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और उसे मुआशी तरक्की में बदलने के लिए पिछले साल 4 साल में हमारी हुकूमत की तवज्जो मवासलाती निज़ाम में सरमायाकारी पर रही। इस मकसद के लिए पिछले साल के 188 अरब के मुकाबले में जो आने वाला माली साल है इसमें 320 अरब एलोकेट किए जा रहे हैं। याद रहे कि 4 साल पहले इस शोबा में सिर्फ 51 अरब रुपए एलोकेट किए जाते थे। इस शोबा के लिए मंदरजा जैल जो मंसूबे हैं उसकी इंपॉर्टेंट मंसूबे का जिक्र करता हूँ। लाहौर अब्दुल हकीम सेक्शन 230 किलोमीटर लंबी शाहरा, इसके लिए 48 अरब। मुल्तान से सक्कर जो मोटरवे है उसका जो सेगमेंट है उसके 387 किलोमीटर के लिए 35 अरब। सक्कर हैदराबाद सेक्शन के लिए 2.5 अरब। ये मंसूबे निजी शराकत के जरिए से तामीर हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे पर तेजी से काम जारी है और इसका एक हिस्से का इफ्तिताह कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, अखला से यार डेरा इस्माइल खान मोटरवे के लिए 38 अरब रुपए रखे गए हैं। फैसलाबाद से खाने वाले एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 184 किलोमीटर है उसके लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। बुरहान हवेली एक्सप्रेस के लिए 3 अरब रखे गए हैं। थाकोट हवेलियां के लिए 26 अरब रखे गए हैं। डेरा इस्माइल खान मुगल कोट जोप शाहरा के लिए 2.7 अरब रखे गए हैं। बलोचिस्तान में खुजदार और पंजौर के इलाके में होशाब बसीमा सोराब शाहरा और गवादर तुरबत होशाब सेक्शन के लिए 2.5 अरब रखे गए हैं। जामे वाला रेलवे मुसाफरों सामान की सस्ती तेज रफ्तार और आराम दे तरसील का जरिया है, लिहाजा इसकी तरक्की हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान रेलवे में मुतासर कुन तब्दीलियां लाई जा चुकी हैं। हर साल आमदनी बढ़ रही है। मुसाफरों सामान की नकलो हमद में नित नई खिदमत का इजरा किया जा रहा है और नए इंजन और बोगियां शामिल की जा रही हैं। हुकूमत इस कौमी साजे को दोबारा बहाल करने के लिए पुरअज़म है। अगली माली साल में 42.9 अरब मुख्तस इस पर एलोकेट करने की बजट में तजवीज़ है। अगले साल के बजट में मंदरजा ज़ैल रेलवे के मनसूबे
तरजीहाती बुनियाद पर शामिल हैं। नंबर एक, 75 नए इंजन की खरीदारी के लिए 15.8 अरब, 830 बोगियों के लिए और 250 मुसाफिर कोचेज के लिए 4.5 अरब। नंबर तीन, पेशावर तक कराची रेलवे लाइन जो तकनीकी तौर पर ML1 के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसकी बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए चीन के साथ मुफाहमती याददाश्त और दस्तखत किए गए हैं। ये एक अजीम मनसूबा है जो कि पाकिस्तान में रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगा। नंबर चार, ML1 लाइन की बहाली और अपग्रेडेशन की इब्तदाई डिजाइन के लिए अगले माली साल में 4.2 अरब मुख्तस किए गए हैं। रेलवे की बेहतरी पर मैं आपके तवज्जो से जनाब वजीर रेलवे को मुबारकबाद पेश करता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट विजन 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट को मरकजी हैसियत हासिल है। हुकूमत इसमें सरमायाकारी को जारी रखेगी। इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में पिछले साल के 21.5 अरब के मुकाबले में 35.7 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम के अलावा HEC को जारी अखराजात की मद में 60.2 अरब दिए जाएंगे। सेहत के शोबा में वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन का बजट 25 अरब से बढ़ा के 49 अरब किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि जारी साल के मुकाबले में सरमायाकारी को दुगना कर दिया गया है। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक 80 अरब रुपए की लागत से अस्पतालों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पहले साल में इस मद में 8 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा वजीर आजम के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए दूसरे मरल का आगाज हो रहा है, जिसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। अलावा अजी शोबा हेल्थ के मुतद प्रोग्रामों में बशमूल EPI फैमिली प्लानिंग प्राइमरी हेल्थ केयर और पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम में सरमायाकारी का हजम पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, 2/3 बीमारियों की बीमारियां पीने के खराब पानी की वजह से होती हैं। पीने का साफ पानी सेहत आमा में मरकजी हैसियत रखता है। इस जिमन में एक स्पेशल प्रोग्राम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए अगले साल 12.5 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा वजीर आजम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, जो कि सोशल इंडिकेटर्स में बेहतरी लाने में मुआवन साबित होंगे। जनाब स्पीकर, गवादर की तरक्की को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में मरकजी हैसियत हासिल है। सड़कों का जाल बिछाने और एयरपोर्ट की कुशादगी और जिद्दत और पूरे इलाके की तरक्की के लिए एक जामे मंसूबे पर काम हो रहा है। इस जिमन में 2017-18 में 31 मंसूबे शामिल किए गए हैं। इनमें से नए एयरपोर्ट का क्याम, 200 बिस्तर का अस्पताल, 300 MW बिजली पैदा करने का मंसूबा और खारे पानी को साफ करने का डिसेलिनेशन प्लांट शामिल है। जनाब स्पीकर, 2017-18 में CPAC में शामिल मंसूबे अपने नफाज के तीसरे साल में दाखिल हो जाएंगे। अगले माली साल के दौरान CPAC और उनसे अलाइड जो मंसूबे हैं, इस बजट में उसके लिए 180 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। खसूसी इलाका जात, जनाब स्पीकर, खसूसी इलाका जात की तेज रफ्तार तरक्की के लिए 62 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम की हदायत पर आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती फंड माली साल 16-17 के 25.75 अरब रुपए से बढ़ाकर माली साल 17-18 में 43.64 अरब रखे जा रहे हैं। इसकी तजवीज है जो के 69%, जनाब स्पीकर 69% तारीखी इजाफा है जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो एलोकेशन है। इसके अलावा 26.9 अरब रुपए फाटा की तरक्की के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, सितंबर 2013 में वजीर आजम की हदायत पर हुकूमत ने कराची की रौनक के बहाल करने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया। इसके इंतहाई मुस्बत नतायज हासिल हुए और रोशनियों के शहर कराची में दोबारा से सकाफती और तजारती सरगर्मियों का आगाज हो गया। कराची भर से पाकिस्तान की बिजनेस कैपिटल जो कि हमेशा से रहा है और मजीद उसमें माशाल्लाह बरकत आ रही है। हर शोबा में अब नई सरमायाकारी नजर आ रही है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान दहशतगर्दी की आलमी जंग में सफे अव्वल की रियासत का किरदार अदा कर रहा है। जून 2014 में हुकूमत ने शमाली वजीरिस्तान और दीगर कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया और पाक फौज ने ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब का आगाज किया। कौम को फख्र है कि पाकिस्तान की बहादुर फौज ने छुपकर वार करने वाले बुजदिल दुश्मन को शिकस्त फाश दी। कोई मारा गया, कोई पकड़ा गया और कोई भाग गया।
ये फतह हमारे बहादुर फौजियों की मेहनत का नतीजा है। पूरी दुनिया आज पूरी दुनिया को दहशतगर्दी का सामना है, मगर किसी फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ इतनी जामे फतह हासिल नहीं की जितनी पाकिस्तान की फौज को हासिल हुई। हमारे जवानों ने मुश्किल हालात में अपने प्यारों से दूर रहकर वक्त गुजारा, शहादतें हासिल की, माजूर हुए, हिम्मत नहीं हारी और बिलाखर अल्लाह के फजल करम से कामयाबियां हासिल की। वजीरिस्तान और दीगर ट्राइबल इलाकों में दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। अब वो कभी कभार सात पार से नमूदार होते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। हमारे बहादुर जवानों गयूर अफसरों का मुकाबला करना आसान नहीं। कौम के बहादुर सपूतों की बेपनाह कुर्बानियों की रिकग्निशन के तौर पर मैं जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान और जवानों को तनख्वाह का 10% एक स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। ये अलाउंस नॉर्मल जो सैलरी में इंक्रीमेंट्स होगी जिसका मैं बाद में ऐलान करूंगा, ये उसके अलावा है। ये स्पेशल अलाउंस 10%। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब जैसे बड़े कौमी इकदाम के लिए वसी माली वसायल दरकार होते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये एक कौमी फरीजा है जिसके लिए वसायल फराहम करना पूरी कौम पर लाजिम है। इस सिलसिला में हकूमत पिछले 3 साल से 90 से 100 अरब रुपए सालाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खर्च कर रही है और फौज बिलावास्ता फौजी कार्रवाई के अखराजात के हवाले से और बिल वास्ता जो टेम्प्रेरी डिस्प्लेस पर्सन की कफालत वापसी आबादकारी और इलाके की तरक्याती अखराजात की मद में है। इस जिमन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह तजवीज दी थी कि ग्रॉस डिविजिबल पूल का 3% हिस्सा इस कौमी फ्रीजे के लिए मुख्तस किया जाए। ये मामला अभी CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट NFC में जेर बहस है। इसी तरह कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के लिए ग्रॉस डिविजिबल पूल से 3% रकम मुख्तस किए जाने के लिए सूबों के साथ बातचीत जारी है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की हालिया मीटिंग में आजाद कश्मीर के वजीर आजम, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और गवर्नर KPK ने फाटा की नुमाइंदगी करते हुए यह मुतालबा दोहराया कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उनको भी डिविजिबल पूल में उसी तरह हिस्सा दिया जाए जैसे कि बाकी 4 सूबों को दिया जाता है। मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि ग्रॉस डिविजिबल पूल में ये 3+3 6% की एलोकेशन के बारे में फैसले की ताखीर की वजह से NFC अवार्ड को हतमी शक्ल देने में ताखीर हो रही है। मैं अपने हम मनसब पार्लियामेंटेरियंस दोनों हाउसेस में उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सूबाई हुकूमतों से इस मुनसफाना और मुनासिब एलोकेशन के हवाले से अपना मुस्बत और फाल किरदार अदा करें। मैं इस जिमन में चारों वज़रा आला को ज़ाती तौर पर अपील कर चुका हूँ। जनाबे स्पीकर, अब मैं आइंदा माली साल के अहम बजट तखमीनाजात की तरफ आता हूँ। मजमूई माली महसूलात का तखमीना 5,310 अरब रुपये लगाया गया है जिसमें FPR की टैक्स वसूली 4,013 अरब है। याद रहे कि रिवाइज एस्टीमेट 3,521 अरब रुपये था। कुल आमदनी में 12.1% इजाफा किया जा रहा है जबकि FPR की टैक्स वसूली में जो टारगेट रखा गया है 14% का इजाफा है। नंबर 2, कुल आमदनी में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा 2,384 रुपये बनता है। जनाब स्पीकर, 4 साल पहले उनको करीबन 1,150 अरब मिलता था, अगले साल वो 2,384 अरब लेंगे, डबल। आप देखें स्पेस सूबों के पास, क्योंकि कलेक्शन जो है वो 80% 4 साल में इजाफा हुआ और हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 4,000 क्रॉस करेंगे तो 1946 से 4,000 का मतलब है 100% इजाफा 5 साल में टैक्स की कलेक्शन में। तो जनाब वाला 16-17 के रिवाइज एस्टिमेट 2,121 अरब रुपये के मुकाबले में 12.4% है। ये वसायल सूबाई हुकूमतें इंसानी तरक्की और लोगों की सिक्योरिटी के लिए खर्च कर सकेंगी। सूबाई हुकूमतों का हिस्सा निकालने के बाद वफाकी हुकूमत की बकाया आमदनी 17-18 में 2,926 अरब रुपये मुतवक्को है जो कि 16-17 में 2,616 अरब रुपये थी। जनाब स्पीकर, 17-18 में कुल अखराजात का तखमीना 4,753 अरब रुपये है जो कि 16-17 के रिवाइज एस्टीमेट 4,256 के मुकाबले में 11.7% इजाफा है। कुल अखराजात में सबसे ज्यादा इजाफा तरक्याती बजट में किया गया है। दफाई बजट की मद में रिवाइज एस्टीमेट 841 अरब के मुकाबले में अगले साल के लिए 920 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि PSGP 715 अरब के रिवाइज एस्टीमेट के मुकाबले में अगले साल 1,001 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। नंबर 7, आमदनी और अखराजात के तखमीने का नतीजा ये है कि इस साल बजट का खसारा कम होकर इंशाल्लाह GDP का 4.1% तक आएगा
गुज़िश्ता साल के नजर रिवाइज एस्टीमेट 4.2% है जनाब स्पीकर। ये 0.3% जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च कर रहे हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करीबन 90 से 100 अरब, ये उसके बाद है। अगर वो ना हो तो आप इसको समझ लें कि 3.9% होता है अगर 4.2 ना होता और अगला साल 4.1 3.8 होता। जनाब स्पीकर अब मैं अपनी बजट दूसरा पार्ट टू पेश करूंगा जो कि टैक्स तजावीज पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता 4 सालों में हुकूमत के दूसरे इंतजामी इस्लाहात जिनका आगाज किया ताकि एक मुनसफाना और फाल टैक्स निज़ाम वजा हो सके, इस एक वस्त मुदती यानी मीडियम टर्म जामे हिकमत अमली के तहत हम टैक्स और GDP के मबैन 15% का यानी टैक्स टू GDP 15% हमारा अल्टीमेट हदफ है इस मुल्क का। इम्तियाजी रियायतों और एग्जम्पशन के खात्मे के लिए FBR ने एक तारीखी अमल किया जिसके तहत गुज़िश्ता 3 साल में करीबन 300 अरब रुपए की एग्जम्पशन खत्म हुई। इस सिमत में आगे बढ़ते हुए माली साल 17-18 में जिन रहनमा असूलों पर टैक्स इकदाम तजवीज़ किए हैं उनमें हुकूमत की गुज़िश्ता बरसों की कामयाब तफरीकी टैक्स जिसमें टैक्स अदायगी की हौसला अफजाई और अदम अदायगी पर जुर्माने, मुल्की सनद का तहफ़ तफरीकात का खात्मा, मनसबी इख्तियारात में कमी, कारोबार में आसानी, शरह नमू में रोजगार में इजाफे की तरगीबात और बराह रास्त टैक्सों में इजाफा शामिल है। जनाब स्पीकर अब मैं आपके सामने इस ऐवान के सामने टैक्स में रिलीफ और शरह नमू में इजाफे के लिए चंद प्रपोजल पेश करता हूँ जो मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर से मुतालिक हैं। नंबर एक, 17-18 में शामिल टैक्सों के हवाले से जो रिलीफ है उसमें से मुनासिब शरह टैक्स ब्रैकेट कॉरपोरेट सेक्टर। आपको याद होगा कि 4 साल पहले हमने कहा था कि 5 साल में कॉरपोरेट रेट को हम 35% से कम करके 30% पर लाएंगे, वो 31% पिछले साल आ चुका है, इसको इस साल 1% मजीद कम करके अपनी ऐलान के मुताबिक 30% किया जा रहा है। इस्लामी बैंककारी की तरगीबात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात के मुताबिक इस्लामिक फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई के लिए हम इस्लामिक बैंकिंग के मुख्तलिफ इकसाम मसलन मुशारका, अजारा और मुराबा में टैक्सों की वही शरत तजवीज़ करते हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में राइज है। कंप्लायंट टैक्स दौरों को रियायत, टैक्स निजाम की कंप्लायंस करने वाले टैक्स दौरों की हौसला अफजाई करने के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स में मंदरजा जैल कमी की जा रही है। 850% की गाड़ियों में ये शरह इस वक्त 10,000 रुपये फी गाड़ी है, इसको 7,500 किया जा रहा है। 1000 CC तक गाड़ी जो है इस वक्त उसमें 20,000 रुपए है, इसको कम करके 15,000 किया जा रहा है और जो 1300 CC तक गाड़ियां हैं इस वक्त 30,000 है, उसको कम करके 25,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स किया जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज में जो फाइलर हैं उनके लिए ये सहूलत दी जा रही है। टैक्स गुजारे दाखिल ना करने वालों के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह में ऑब्वियसली कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ लोन स्कीम के तहत ली गई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको एग्जम्प्ट किया जा रहा है। इसी तरह तालीमी अखराजात पर रियायत, कम आमदनी वाले तबके जिनके तालीमी अखराजात नाकाबले बर्दाश्त होते हैं उनको रियायत देने के लिए ये फैसला किया गया कि 16-17 के बजट में जिन लोगों की सालाना आमदनी 10 लाख से कम थी उन्हें फी बच्चे की तालीमी अखराजात पर 60,000 रुपये की हद तक टैक्स में 5% रियायत दी गई थी। इस तजवीज़ किया जा रहा है कि सालाना आमदनी को इस साल बढ़ा के 10 लाख से 15 लाख कर दिया जाए ताकि मुतवस्सित तबका इस तालीमी अखराजात में उसको आसानी हो। नंबर 61, एडवांस टैक्स की इंतहाई हद में इजाफा, इस वक्त वो टैक्स गुजार जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है वो साल गुज़िश्ता के अदाशुदा टैक्स के हिसाब से 4 किस्तों में अपना एडवांस टैक्स अदा करते हैं जिनकी 5 लाख से ज़्यादा है, अदरवाइज वो अगर 5 लाख से कम है तो एक ही दफा टैक्स पे करते हैं 4 किस्तों में नहीं। इस 5 लाख की हद को इंक्रीज करके 10 लाख रुपये किया जा रहा है ताकि मजीद लोगों को आसानी पैदा की जाए। खाम माल की दरामद में एग्जम्पशन, जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं जो सनतों के लिए उसमें इस वक्त जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज देती हैं वो उनकी जो एक्चुअल कंजम्पशन है उसका 110% तक दिया जाता है ताकि वो अपने स्टॉक्स बेहतर रख सकें। इस 110% को इजाफा करके लॉ में 125% किया जा रहा है। जो दवाओं की सनत फरोग के अखराज की जो अपर लिमिट है इसमें पिछले साल के बजट में 5% मुकर्रर की गई थी, जो लिमिट थी उसको डबल करके 10% किया जा रहा है। रोजमर्रा शेयर पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में हम कमी कर रहे हैं। मुनाफे की शरह लिहाजा दफा 113 सेक्शन 113 के तहत इनमें टैक्सों की कम तरीन शरह 0.2% मुकर्रर की गई है।
تاہم اس وقت تقسیم کنندگان کو مال کی فراہمی پر عمومی شرح سے ودہولڈنگ ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ گزشتہ سال 4 سے کم کر کے 3 کیا گیا تھا اور عام کمپنیوں کو 4.5 سے کم کر کے 3.5 کیا گیا تھا یہ شرح اب مزید کم کر کے 3.5 سے 2.5 اور کی جا رہی ہے اور جو تاہم جو گوشوارے داخل نہیں کریں گے ان کی شرح میں کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی نان فائلرز جناب سپیکر ودہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ میں نظر ثانی کی رعایت ودہولڈنگ ایجنٹس کے مطالبے پر تجویز کیا جاتا ہے کہ انہیں ودہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹ میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے 60 دن میں نظر ثانی کی اجازت دے دی جائے جو گوشوارے داخل نہ کرنے والوں کے لیے اپیل کا حق ہے موجودہ قانون کے مطابق ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے کی صورت میں پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر کے اجرا کے 45 دن کے اندر ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے جبکہ ان کو انہیں اپیل کا حق بھی نہیں ہے عوام کے مطالبے پر اور ان کی جائز شکایت کا ازالہ کے لیے موجودہ طریقہ کار کے خاتمے کی تجویز ہے گوشوارہ داخل نہ کرنے کی صورت میں پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر کی بجائے قابل اپیل آرڈر جاری کیا جا سکے گا اسٹاک چینج میں شمولیت پر ٹیکس کریڈٹ جناب والا اس وقت اسٹاک چینج میں جو نئی کمپنیاں لسٹ ہوتی ہیں ان کو 2 سال تک 20% ٹیکس کریڈٹ دیا جاتا ہے ابھی تجویز یہ ہے کہ 2 سال کے بعد جو نئی کمپنیاں آئیں گی ان کو پہلے 2 سال تو 20% کی چھوٹ رہے گی ٹیکس کریڈٹ لیکن جو مزید جو دو سال ہیں اس کو مزید 3 سال کی لاگو اس کو ہم کر رہے ہیں اس 20% کو جو کہ ختم ہو رہی ہے لیکن انہیں 2 سال اس کے بعد 10% مزید چھوٹ دی جائے گی جناب اسپیکر انشورنس پریمیم پر ایگزمپشن کی انتہائی خاتمے اضافہ اس وقت جو انشورنس پریمیم اس پہ 1% ایڈجسٹبل ودہولڈنگ ٹیکس متعارف کرایا گیا تھا جہاں سے پریمیم انشورنس 2 لاکھ روپے سے زائد تھی اس پریمیم کو 2 لاکھ سے بڑھا کے 3 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے مختلف جو این پی اوز ہیں نان پرافٹ آرگنائزیشنز ان کی آمدنی کی ایگزمپشن میں گلاب دیوی ہاسپٹل پاکستان پاورٹی الیویٹ فنڈ اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹ کو نان پرافٹ خیراتی اور سماجی خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے ان کو ٹیکس آرڈیننس 2001 کے دوسرے شیڈول میں جس کی سب سیکشن 66 ہے اس میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹلی ٹیکس ایگزمپٹ ہوں گے جناب اسپیکر اب میں کچھ ریونیو میئرز کی طرف ایوان کی خدمت میں تفصیل عرض کرتا ہوں ڈیویڈنڈ میں اس وقت مختلف ریٹس ہیں اس کو ایک کر کے ڈیویڈنڈ کا جو ریٹ ہے اس کو 12.5% سے بڑھا کے 15% کرنے کی پرپوزل ہے اور جو میوچل فنڈ کے اوپر ڈیویڈنڈ ہے اس کو 10% سے بڑھا کے 12.5% کی انکریز کرنے کی تجویز ہے منافع پر ٹیکس کی شرح فی الوقت جو ٹیکس یعنی اپنے بینک ڈپازٹ کے اوپر یہ ٹیکس کی جو عائد ہے وہ 25 ملین روپے تک 25 سے 50 ملین تین ہماری سلیبز ہیں اس پہ بل یعنی ریسپیکٹیولی 10, 12.5 اور 15% ٹیکس عائد ہوتا ہے ان تینوں سلیبز کو چینج کیا جا رہا ہے جو پہلی سلیب ہوگی 5 ملین تک ہوگی اس پہ 10% ہوگا اگلی سلیب 5 سے 25 ملین ہوگی اس پہ 12.5% ہوگا اور جو ہائیسٹ سلیب ہے 25 ملین سے اوپر جس کو بینک انٹرسٹ یا پروفٹ ہے اس کے اوپر یہ 15% ہوگا تو ریٹ وہی برقرار ہے سلیبز میں اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانا فی الوقت سیکیورٹیز پر 3 درجوں کے اعتبار سے کیپٹل گین ٹیکس نافذ ہے مختلف قسم کا نظام ہے تجویز کیا جاتا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن کی سفارش پر کہ کیپٹل گین ٹیکس کو یکساں شرح یعنی سیم ریٹ نافذ کیا جائے اور اس کو فائلر اور نان فائلر کے درمیان صرف تفریق کی جائے اگر فائلر کا کیپٹل گین ہے تو 15% اور اگر نان فائلر تو 20% اس میں اب کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی جناب سپیکر سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کو فروخت پر ٹیکس کریڈٹ کا خاتمہ اس وقت ان صنعت کاروں کو جو اپنے 90% فروخت سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کو سیل کرتے ہیں اس کے اوپر 3% کا ٹیکس کریڈٹ حاصل ہے چونکہ اس اقدام سے سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کے فروغ کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے اس لیے اس ٹیکس کریڈٹ کو کٹوتی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا تجویز کیا جاتا ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ کو یہ ایوان ختم کرے سپر ٹیکس کی میعاد میں 1 سال کے لیے اضافہ جو سکیم پچھلے سال دی تھی اس میں جو کہ 500 ملین کے زائد بھی کمپنیز اور بینکوں پہ 4 اور 3% بل ترتیب تھی اس کو چونکہ ہماری جس وجوہات کی وجہ اس کو لگایا گیا تھا وار اگینسٹ ٹیررزم وہ چونکہ ابھی جاری ہے تو اس کے لیے اس کو جاری رکھا جا رہا ہے ڈیویڈنڈ کی عدم ادائیگی پر ٹیکس کا نفاذ حکومت کی ایک کوشش ہے کہ چھوٹے شیئر ہولڈرز کو اپنی سرمایہ کاری میں منافع ملے اور ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہو چنانچہ 15-16 کے بجٹ میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت یہ جو پبلک کمپنی تھی
अगर वो अपना मुनाफा तकसीम 40% से ज्यादा या अपने पेड अप कैपिटल के 100% ज्यादा हो तो उस पर 10% का था। फिल वक्त इसको 40% जो सालाना इनकम होगी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उनको जो जो करंट ईयर की प्रॉफिट है उसके ऊपर 10% देना पड़ेगा। ये उनको एनकरेज करेगा जो मार्केट स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी आई है कि छोटे शेयर होल्डर जो हैं उनको यानी डिविडेंड मिले। मिनिमम टर्नओवर टैक्स जनाब स्पीकर ये 1% था मिनिमम टर्नओवर टैक्स, इसको इंक्रीज करके इसको 1.25 यानी 1.25% करने की तजवीज़ है। इस इकदाम से कानून की पासदारी करने वालों की हौसला अफजाई होगी क्योंकि उनकी शरह ऑलरेडी 31% कम होकर 30% हो जाएगी और ऐसे इदारों जो असल मुनाफा जाहिर नहीं करते उनकी हौसला शिकनी होगी। जनाब स्पीकर टोबैको सेस इसकी वसूली के वक्त विदहोल्डिंग गैर कानूनी और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की पैदावार और फरोख्त के खतरनाक हद फैलाव को एक तरफ फरोख्त से हासिल शुदा रकम ने कम कर दिया, दूसरी जानब सेहत के मसाइल को भी जन्म दिया है क्योंकि अनरेगुलेटेड पैदावार में मेयार का ख्याल नहीं रखा जाता। हुकूमत ने इस जमन में कई इकदाम किए हैं और गैर कानूनी पैदावार तकसीम कार को रोका जा सके। तमाकू फरोख की दस्तावेजी निजाम को दायरा कार में लाने के लिए तमाम मुतलका अफराद उनकी पैदावार से मुतलक मालूमात के असूल के लिए तजवीज़ किया जाता है कि पाकिस्तान टोबैको बोर्ड या उसके ठेकेदार टोबैको सेस की वसूली के वक्त 5% की शरह से विदहोल्डिंग टैक्स वसूल करें ताकि डॉक्यूमेंटेड हो सके कि कहाँ वो सप्लाई हो रहा है और फिर उसको चेज किया जा सके। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर टैक्स एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की सिफारिश पर फिक्स टैक्स फी यूनिट के हिसाब से जो फाइनल टैक्स पिछले बजट में आयद किया गया था उससे मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सके, लिहाजा इसे वापस लेने की तजवीज है। जनाब स्पीकर इस ग्रुप ने कहा था कि आपको 28 अरब मिलेंगे, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये करीबन 11 करोड़ पे हासिल हुए, तो इसलिए ये जो प्रपोजल इस बजट में पेश किया और ऐवान ने मंजूरी दी अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसको वापस लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एशिया के डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में 0.5% फाइलर नॉन फाइलर उसको 1% किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स पर जो डिफरेंशियल टैक्स की शरह है मौजूदा हुकूमत ने टैक्स गुजारों के मुतालबे और उनकी प्रपोजल पर नॉन फाइलर के लिए ज्यादा शरह से विदहोल्डिंग टैक्स नाफिज करने की पॉलिसी मुतारफ कराई थी ताकि टैक्स देने वालों की हौसला अफजाई हो सके और टैक्स ना देने वालों के खिलाफ यानी तदीबी कार्रवाई की जा सके। इस पॉलिसी के हौसला अफजा नतज बरामद हुए और गुज़िश्ता 3 साल में जो टैक्स असेसिज हैं 7.5 लाख से बढ़ के 12.25 लाख हो गए। इस पॉलिसी को जारी रखने और मजीद बेहतर बनाने की गर्ज से नॉन फाइलर्स पर ठेकों पर फरोख्त और खिदमात गैर मुकीम अफरादात को अदायगी क्राइस बॉन्ड्स और लॉटरी के इनामात कमीशन नीलामी CNG स्टेशन के गैस बिल की वसूली सनअतकारों और दराम कुनंदगान की डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स और होलसेल को फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरों को मजीद बढ़ाने की तजवीज है। नॉन फाइलर ताहम जितने फाइलर्स हैं उनके ऊपर वो पुरानी शरह बरकरार रहेगी, ये एक प्यूनिटिव एक्शन है उनको फोर्स करने के लिए कि वो इस तरफ आए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अदारे हैं फिल वक्त अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो खैराती अदारे हैं अगर अपने आमदनी का 75% से जायद चैरिटेबल और सामाजिक कामों में खर्च नहीं करते तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है NPO की वो कैंसिल हो जाती है और उनकी कुल आमदनी पर 30% टैक्स नाफिज होता है। उन्होंने ये मुश्किल बयान की है कि कई दफा छोटी सी उसमें कमी रह जाती है, तो ये तजवीज़ किया जा रहा है इस ऐवान को कि अगर ये अदारे अपनी आमदनी का 75% से जायद अपनी चैरिटेबल और सामाजिक कामों पर खर्च ना करें तो इस गैर इस्तेमाल शुदा यानी कम जो करेंगे उसके ऊपर 10% की शरह टैक्स नाफिज होगी और इन NPOs का मर्तबा और उनकी रजिस्ट्रेशन बहाल रहेगी, कैंसिल नहीं होगी। और इसी तरह कई अदारे हैं जिनके इंतजामी खर्चात जो हैं वो बहुत ही ज्यादा 30 से 40% उस हद को क्योंकि चैरिटेबल हैं और फिर सोशल सेक्टर में खिदमत के लिए है तो इंतजामी अखराजात की हद मुकर्रर की जा रही है कि 15% से ज्यादा नहीं होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बिलियंस ऑफ रुपीज की सैलरीज दी जा रही हैं इन अदारों में, तो उसको रोकने के लिए ये तजवीज़ है। जनाब स्पीकर अब मैं रिलीफ इकदाम का जिक्र कुछ करूँगा फेडरल एक्साइज और सेल टैक्स के हवाले से। ऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानब से फ्राम करदा लुब्रिकेटिंग ऑयल पर जो इजाफी टैक्स था उसको खत्म किया जा रहा है और इस पर 2% जो इजाफी टैक्स के खाद जो इस वक्त लागू है उसको खत्म करने की तजवीज है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुकामी सतह पर फरामी जो है उस पर सेल टैक्स में
उसी तरह कमी की जा रही है जैसे हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर जो सहूलत दी गई है। इसी तरह अपील के फैसले तक वसूली को ऑटोमेटिक स्टे, टैक्स गुजारों की मुश्किलात को अजाला करने के लिए यह तजवीज़ किया जाता है कि अगर टैक्स गुजार सेल टैक्स की रिकवरी के हवाले से असल रकम का 25% एडवांस जमा करा दें तो उन्हें कमिश्नर अपील के फैसले तक बाकी रकम के लिए रिकवरी पर खुद ब खुद स्टे मिल जाएगा। ये सहूलत फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से भी दी जाएगी। जनाब स्पीकर, स्टंटिंग की रोकथाम के लिए जो प्रीमिक्सेज हैं सेल, उसमें मखसूस इसको ख़त्म करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए उस पर जितना जो सेल टैक्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है, सेल स्टंटिंग के बढ़ते हुए रुझान को रोका, ताकि रोका जा सके। इस हवाले से छठे शेड्यूल में पहले से मौजूद अमूमी छूट का दायराकार मजीद बढ़ाने की तजवीज़ है। रजिस्टर्ड अफराद के मबैन सप्लाईज पर लागू सेल टैक्स जो है उसका प्रपोजल है कि इसको ख़त्म किया जाए और टैक्स विदहोल्डिंग का खात्मा कारोबार को मजीद आसान बनाने के लिए तजवीज़ है कि रजिस्टर्ड अफराद की जानब से अफराद को एशिया की फरहमी पर आयद सेल टैक्स विदहोल्डिंग खत्म कर दी जाए। ताहम सरकारी इदारों को फराहम करदा एशिया पर आयद सेल टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पोल्ट्री की मशीनरी पर सेल टैक्स में कमी की तजवीज़ है। पोल्ट्री के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली 7 मुख्तलिफ किस्म की जो मशीनरियाँ हैं उसके ऊपर इस वक्त 17% सेल टैक्स है। तजवीज़ किया जाता है इस ऐवान को कि इसको कम करके 7% कर दिया जाए ताकि इस सेक्टर में सरमायाकारी बढ़े। मखसूस खिदमात की फराहमी में आयद सेल टैक्स की शरह में कमी। सूबों की जानब से बाद खिदमात पर इनपुट एडजस्टमेंट के बगैर सेल टैक्स की कम शरों का नफाज किया गया है। तवाजन और सहूलत की गर्ज से सेल टैक्स की इन कम शरों को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में भी लागू करने की तजवीज़ है ताकि एक ही रेट हो, जो अगर उन्होंने कम किया तो हम भी वो तमाम जो है सेम टैक्स जो फेडरल एरियाज में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान जो जो होते हैं ताकि उन रेट्स को भी उसी तरह कम कर दिया जाए। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स पर सेल टैक्स की शरह में कमी। तालीमी अदारों में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि इन पर सेल टैक्स की शरह को 17% से कम करके 10% कर दिया जाए। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर कस्टम ड्यूटी की शरह 3% होगी। जनाब स्पीकर, कुछ रेवेन्यू इकदाम, ये तो सारी रिलीफ चल रही है और अरबों रुपए की रिलीफ चल रही है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह इस वक्त जो 1 रुपया फी एक किलोग्राम है इसको 1.25 रुपया फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। ये सीमेंट की इंडस्ट्री में जो कैपेसिटी बढ़ी है और जो आगे भी कैपेसिटी बढ़ेगी, जो मुल्क में जितना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है तो ये छोटी सी मामूली इंक्रीज वो बड़ी आसानी से इसको वो यानी अब्जॉर्ब कर सकेंगे। जीरो रेटेड सेक्टर की रिटेल सेल पर सेल टैक्स, इनके साथ ये 5% जो तय हुआ था पिछले साल बजट में अप्रूव हुआ था, इन रिटेलर्स से मुशावरत के बाद इस रेट को 6% किया जा रहा है जो कि उन्होंने एग्री किया है। कपड़े की कमर्शियल दरामद पर सेल टैक्स, इस वक्त कपड़े की कमर्शियल दरामद सेल टैक्स 0% है और लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से इन तमाम जो स्टेक होल्डर एग्री किया है कि उसके ऊपर भी 6% सेम रेट हो और 6% उसकी तजवीज़ की जाती है। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। इस सेक्टर से ड्यूटी की वसूली बढ़ाने और सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी के लिए सिगरेट के 2 मौजूदा दर्जात पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद बरा इस सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन और स्मगलिंग और गैर मयारी सिगरेटों की रोकथाम के लिए एक नया 3रा दर्जा मुतारफ कराने की भी तजवीज़ है। स्टील सेक्टर पर आयद सेल टैक्स जो इस वक्त 9 रुपये है उसको रैशनाइज किया गया है और उनके साथ नेगोशिएशन के बाद ये तजवीज़ किया जाता है कि इसको 9 रुपये से बढ़ा के 10.5 रुपये को किया जाए। कस्टम्स, जनाब स्पीकर, अब कस्टम्स के मुतलक मैं कुछ अर्ज करूंगा कि नया HSE कोड जो कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम है, जो कि आम उर्फ आम में HS सिस्टम के नाम से मशहूर है, एक अहम कन्वेंशन है जिसकी बदौलत आलमी सरहदों के माबैन गुड्स की खरीदो फरोख्त बगैर किसी मुश्किल के हो रही है। हर 5 साल के बाद WTO इस कन्वेंशन का जायजा लेते हैं और इसको रिन्यू करता है। WTO ने नए WCO ने नए HSE वर्षन का 1 जनवरी 2017 से नफाज कर दिया है। पाकिस्तान इस HS कन्वेंशन का हिस्सा होने के नाते इस नए वर्षन को नए माली साल 1 जुलाई 2017 से इख्तियार करने का पाबंद है। तो इस हाउस में यह अर्ज किया जा रहा है कि HS 2017 की तरमीम से दुनिया भर में खरीदो फरोख्त होने वाली
15% के लगभग एशिया पर असर पड़ेगा। HSC 2017 में होने वाली ज्यादातर तब्दीलियां माहौलियाती यानी क्लाइमेट चेंज और समाजी सोशल सेक्टर से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा नए वर्षन में एशिया की दर्जाबंदी भी की गई है ताकि इनकी तैयारी के मराहल और टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की का अहाता किया जा सके। नई वर्षन के नवाज से ना सिर्फ एक कानूनी तकाजा पूरा होगा बल्कि इस अमल से इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स और दीगर तमाम अफराद को मदद मिलेगी जिनका कारोबार शराकतें आलमी सतह पर फैली हैं। जनाब स्पीकर, जरी शोबा और पोल्ट्री फार्म सेक्टर के लिए रिलीफ। पोल्ट्री फार्म सेक्टर ना सिर्फ मुल्क के दरमियानी आमदनी वाले तबके को सस्ता चिकन फार्म करता है बल्कि ये शोबा मुल्क की सनत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इस शोबे को मजीद रिलीफ देने के लिए तजवीज़ है कि चिकन के ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट स्टॉक की इम्पोर्ट पर आए 5% रेगुलेटरी ड्यूटी को खत्म कर दिया जाए और कस्टम ड्यूटीज को 11% से कम करके 3% कर दिया जाए। इसके अलावा तजवीज है कि हेजिंग एग्स पर इस वक्त कस्टम ड्यूटी 11 को कम करके 3% किया जाए। इस अमल से इस कारोबार में इनपुट की लागत कम होगी और इस शोबे को मजीद तरक्की और फरोग में मदद मिलेगी। यहां पर स्पीकर, हुकूमत मुल्क में मशीनी फार्मिंग के फरोग के लिए काविश कर रही है ताकि पैदावार में इजाफा हो सके और मुल्क की मईशत में शोबे का किरदार मजीद मुस्तकम बनाया जा सके। नई कंबाइंड हार्वेस्टर पर कस्टम ड्यूटी की छूट है ताहम पुराने और इस्तेमाल शुदा हार्वेस्टर पर 3% ड्यूटी लागू है। जरी शोबा को मजीद रिलीफ और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की सिफारिश पर कस्टम ड्यूटी की छूट का दायरा नई और 5 साल तक पुरानी और इस्तेमाल शुदा हार्वेस्टर तक बढ़ाने की तजवीज़ है ताकि इनकी मुल्क में दरामद कम से कम कीमत पर लागू हो सके। औसत फार्मिंग, मुल्क में ये फार्मिंग शुरू हो चुकी है जिसकी बदौलत ना सिर्फ खुराक में प्रोटीन के जुज को बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि मुल्क से गोश्त की बरामद में भी इजाफा होगा। मुल्क में फार्मिंग इस फार्मिंग की हौसला अफजाई के लिए इस पर जो दरामद है इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को छूट देनी यानी एग्जम्प्ट करने की तजवीज़ है। रिलीफ ला हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर हमेशा से हुकूमत की तरजीह रहा है। मरीजों को मयारी और सस्ता इलाज मुहैया करने के लिए कई इकदाम पहले से उठाए जा रहे हैं। पिछले सालों की तरह इस साल भी शोबे के लिए मंदरजा जैल इकदाम की तजवीज है। एक, फार्मा बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज में इस्तेमाल के फरोग देने के लिए प्री फैब्रिकेटेड क्लीन रूम्स की इंपोर्ट पर जो इस वक्त 20% कस्टम ड्यूटी है उसको कम करके 3% किया जाए। दो, नॉन वोवन फैब्रिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सर्जिकल गाउन बैंडेज और जख्मों की मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त इस पर 16% की शरह से कस्टम ड्यूटी आयद है। तजवीज किया जाता है कि इस सेक्टर को फरोग देने के लिए और मरीजों के इलाज के लिए उनकी कम कीमत करके इस 16% को कम करके 5% किया जाए। नाव स्पीकर, मशीनरी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स अप्लायंसेज व्हील चेयर सर्जिकल डेंटल फर्नीचर स्पेयर्स की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सहूलत 50 बेड के हॉस्पिटल चलाने वाले खराती नॉन प्रॉफिट इदारों के साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जेर एहतमाम चलने वाले अस्पतालों को दस्तयाब है। तजवीज़ है कि मुतलका शिक में तरमीम के जरिए अब इस सहूलत को इसका दायरा कार मुसल्ला फाज फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जेर एहतमाम चलने वाले अस्पतालों तक वसी कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स की मुनासिब तरीके से दर्जाबंदी नहीं की जा सकी इसलिए इस पर 3% ड्यूटी इस वक्त जो आयद है इसको डिस्करेज करने के लिए इस ड्यूटी को 20% प्रपोज किया जा रहा है इंक्रीज किया जाए। पान और छालिया के इस्तेमाल को हौसला शिकने के लिए इस पर आयद ड्यूटी की शरह बढ़ा दी गई थी। इस साल भी छालिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 10% से बढ़ा के 25% की जा रही है जबकि पान की इंपोर्ट पर 200 रुपये फी किलोग्राम रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज की तजवीज़ है। रिलीफ बढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, मईशत की नमू में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कलीदी किरदार है। लोगों की पैदावारी सलाहियत और मुलाजमत के जराये भी इस सेक्टर के बरूने मिन्नत है। मईशत में इस सेक्टर के अहम किरदार की वजह से हुकूमत इस सेक्टर के फरोग के लिए कोशिशें कर रही है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इस सेक्टर रिलीफ देने के लिए कई इकदाम की तजवीज है। एल्यूमिनियम वेस्ट स्क्रैप, ऑटो पार्ट्स, पंखों और बर्तन साजी की सनत समेत दीगर कई सनतों में बुनियादी खाम की हैसियत से इस्तेमाल होता है। इस खाम माल पर इस वक्त 3% कस्टम ड्यूटी और 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। इस सनत को रिलीफ देने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी 10% को कम करके 5% की तजवीज़ है। मेटालिक यान रवायती पहनावों में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस शोबे को खाम माल पर ज्यादा टैरिफ रेट और इसके हतमी मसनूआत पर कम रेट की वजह से मुश्किल का सामना है। तजवीज़ है कि शोबा पर रिलीफ देने के लिए इसकी हतमी मसनूआत पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू की जाए और इस शोबा में अहम खाम माल पर कस्टम ड्यूटी जो है 20% उसको कम करके 11% कर दिया जाए। नेक्स्ट,
हुकूमत दरमियानी और निचले तबके से तल्लक रखने वाले अफराद की मियारी ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए कई इकदाम ले रही है। शीरखार बच्चों की सेहत के लिए बेबी डायपर्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। मुल्क में बेबी डायपर्स के तल्लक को सामने रखते हुए इस शोबा में सरमायाकारों के मनसूबों की मद्देनजर रखते हुए इस सनत के लिए मुकामी सतह पर यानी लोकल जो होगा मैन्युफैक्चर उस पर कस्टम ड्यूटी 16% जो खाम माल आएगा 16% से कम करके 11% जबकि बेबी डायपर्स की जो है तैयार कुनिंदान के लिए ये शरह 20% से कम करके 16% कर दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए अहम सतून की अहमियत रखता है। इस शोबे को मजीद मराहत देने के लिए 11% और 16% से लागू मौजूदा कस्टम ड्यूटियाँ खत्म की जा रही हैं और इसकी बजाय टेलीकॉम इक्विपमेंट पर 9% एक ही रेट से रेगुलेटरी ड्यूटी के निफाज की तजवीज है। लकड़ी का शोबा, लकड़ी के शोबे को इस्तेमाल देने के लिए वनीर शीट्स पर आयद ड्यूटी इस वक्त आयद ड्यूटी 16% को कम करके 11% किया जा रहा है। ऑटो सेक्टर, नायब स्पीकर, इस साल मौजूदा इकदाम की तफसील ये है। फिलहाल कस्टम ड्यूटी और टैक्सों की मद में लागू रियायती निक्स जो कि काबिल अदायगी ड्यूटियों पर और टैक्स की 50% है। 1800 cc हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिसका मैंने जिक्र किया था इंपोर्ट की जा रही हैं और 1800 से 25 cc तक जो गाड़ियां हैं उस पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज पर 25% रियायत बरकरार रहेगी आने वाले बजट साल में। ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी 16-17 में ईंधन की बचत और माहौलियाती आलूदगी को रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मराहत दी गई थी। इन गाड़ियों पर आयद ड्यूटी पर रिलीफ देने के लिए 3 महीनों में वजीर आजम की हदायत के मुताबिक एक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। फिल वक्त ट्रेलर्स की मुकम्मल मुकामी असम्बली और तैयारी के लिए दरकार 10 अहम अज्जा 5% की रियायती कस्टम ड्यूटी की शरह से दरामद यानी इंपोर्ट किए जा सकते हैं। ईडीपी की सिफारिश पर आने वाले सी पैक मंसूबों के लिए जरूरियात की मंदरजा इस फहरिस्त में मजीद 11 चीजों को शामिल करने की तजवीज़ है जो कि फाइनेंस बिल में पेश कर दी गई है। जनाब स्पीकर, रेगुलेटरी ड्यूटी का नफाज मुकामी सनतों को आलमी मंडी में एशिया की मुकाम कीमतों में बेपनाह तेजी से होने वाले रद्दोबल के मनफी असरात से बचाने के लिए किया गया था। बैरूनी हवादत से अपने मुकामी सनतों को बचाने के लिए इन इकदाम के उठाने में पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। हुकूमत गाहे बगाहे इन इकदाम पर नजर सानी करती रही है। इस साल भी स्टेट बैंक की सिफारिश पर रेगुलेटरी ड्यूटीज में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता साल पैमरा की सिफारिश पर और मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए सेट टॉप बॉक्सेस, टीवी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स और रिसेप्शन पैरेटर्स को 11% की रियायती शरह के हिसाब से इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। ये सहूलत 30 जून 2017 तक दस्तयाब है। अब तजवीज किया जा रहा है कि इस सहूलत को 30 जून 2018 तक तौसी किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए और 5% की शरह से सेल टैक्स के रियायती निर्क की सहूलत भी जो 30 जून 2017 खत्म होगी उसको भी 1 साल के लिए मजीद बढ़ाया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिला में मैं चंद इकदाम का ऐलान कर रहा हूं। नंबर 1, शोहदा के खानदानों के लिए फ्लाई स्कीम। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बहुत कामयाबी से लड़ रही है। बहादुर अफवाज इस कौमी काविश में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इस जंग में हमारे कई जवान शहीद हुए। कौम शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। उनकी फलाह के लिए हुकूमत महकमा कौमी बचत के जरिए एक नई स्कीम मुतारिफ करवा रही है। इस स्कीम के तहत फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारों के शोहदा के पसमानदगान को यकीनी और इजाफे मुनाफा दिया जाएगा। नंबर 2, डिसेबल्ड के लिए स्कीम, जो डिसेबल्ड मजदूर अफराद भी मुसावी बुनियादों पर पाकिस्तान के शहरी हैं और अपनी मुश्किलात की बुनियाद पर तरजीह सलूक के मुस्तहिक हैं, स्पेशल यानी ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं। माजी में ऐसी लोगों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 2% कोटा मुख्तसर किया गया था। सरकारी मुलाजमतों में नए कंपनी एक्ट के तहत इस शर्त को लिस्टेड कंपनीज पर भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत मुआशरे के इस मुस्तहिक तबके के लिए मालिक इम्कानात में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में यह तजवीज किया गया है कि ऐसे लोगों को पेंशनर और बेवगान की तर्ज पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी को इनको एंटाइटल किया जाए ताकि इनको भी शोहदा की तरह बेहतर मुनाफा लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान बैतुल माल
ये मुस्तक अफराद की माली इमदाद, बच्चों की कफालत का प्रोग्राम, पाकिस्तान स्वीट होम्स के तहत यतीमों की मदद और गरीब बच्चों के इलाज के लिए थैलेसीमिया मराकज के लिए काम कर रहा है। इसके बजट को 50% से बढ़ा के आने वाले माली साल में 4 अरब से बढ़ा के 6 अरब रुपया किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, 1999 में मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग की हुकूमत ने बेवाओं की कर्जों में 3.5 लाख के जिस कर्जे थे उसको माफ किया था और हुकूमत ने उनके कर्जे जिनकी और शादी नहीं थी, आमदन नहीं थी, वो हुकूमत ने पे किए थे। वो स्कीम 1999 के बाद किसी हुकूमत ने दोबारा उसको मुतारफ नहीं कराया। ये ये फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून उसी स्कीम को इस साल दोबारा मुतारफ करा रही है और 5 लाख के कर्जे जिसमें ऑब्वियसली मार्का पर शामिल है वो हुकूमत उसको पे करेगी और उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने वो उनके कर्जे पे किए हैं और बेवा के जो कर्जे हैं वो 5 लाख तक रुपए के माफ हो जाएंगे। इसी तरह पेंशनर्स, बेवाओं और बुजुर्गों के लिए सहूलियात, जनाबे वाला जो हमारा मरकज कौमी बचत कसीर तादाद में वहाँ विडोज, हमारे बुजुर्ग, हमारे पेंशन याफ्ता अफराद इसकी खिदमत करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपनी पेंशन लेते हैं, कई दफ़ा अपने डिपॉजिट करते हैं और इसमें मुश्किलात होती हैं। अब इसको बैंकिंग क्लियरिंग हाउस का इसको हमने मेंबर बनाया है जिसके तवसुत से अब अदायगियों की क्लियरेंस में दरकार वक्त 6 दिन से कम हो गए, 1 दिन रह जाएगा। अपने सार्फीन की मजीद सहूलत के लिए मरकजी कौमी बचत अपनी ब्रांचों को ऑनलाइन रबते से लाते हुए हम वक्त दस्तियाब हेल्पलाइन की तश्कील, ATMs के लिए कार्ड्स का इजरा और मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग का आगाज करेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात, समुंदर पार पाकिस्तानी इस मुल्क का कीमती असासा है जो कि पूरी दुनिया में बैरून मुल्क मुकीम लोगों में तादाद के अतबार से 6 नंबर पर हैं। इन्हें अपने आबाई मुल्क में सरमाकारी के मौके की तलाश है, राजी खरीदने के अलावा इनके पास सरमाकारी के लिए बहुत कम मौके मौजूद हैं। सरमाकारी का मौका फराहम करने की गर्ज से हुकूमत इन्हें मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर सरमाकारी की दावत देना चाहती है। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड की मैं बात कर रहा हूँ। इस मकसद के लिए समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए $1 अरब का नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी किया जाएगा। ये इकदाम पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड के जरिए अमल में लाया जाएगा और इसी तरह जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए CDA एक रियल एस्टेट सेक्टर उनके लिए स्पेसिफिक अनाउंस करेगा और उसका ऐलान करेगा। जनाब स्पीकर, सेल टैक्स रिफंड्स, आप याद होगा कि पिछले बजट में हमने अनाउंस किया था कि 30 अप्रैल 2016 के जितने सेल टैक्स रिफंड है अगस्त में हम पे करेंगे, अगस्त 2016 में ये तो उसी स्कीम के तहत सेल टैक्स के ऐसे रिफंड जिनके RPO बन चुके हैं 30 अप्रैल 2017 तक मंजूर हो चुके हैं और प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, इनको 2 मराहल में क्लियर किया जा रहा है। 10 लाख तक जो RPOs होंगे वो 15 जुलाई तक क्लियर किए 15 जुलाई को क्लियर किए जाएंगे और बाकी तमाम जितने रिफंड सेल टैक्स के रिफंड हैं उनको 14 अगस्त तक अदा कर दिया जाएगा। जहाँ पे स्पीकर, हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए मंदरजा जैल इकदाम का ऐलान किया जाता है। मोजज अरकान पार्लियामेंट को याद होगा कि बजट 2016-17 में 3 एडॉक रिलीफ अलाउंसेज मर्ज किए गए लेकिन 2009 और 2010 के सिविल मुलाजमीन और अफवाज पाकिस्तान के 2010 के एडॉक रिलीफ अलाउंस मर्ज नहीं किए गए थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे, 50% और 100%। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हर तरफ से प्रपोजल सिविल से भी और दूसरे स्टेक होल्डर से भी है कि उन बड़े अलाउंसेस को मर्ज कर दें ताकि उससे उनको जाहिर है ना सिर्फ बेसिक में इंक्रीज होगी बल्कि पेंशन में भी इजाफा होगा, कम्यूटेशन में भी इजाफा होगा। ये मैं खुशी से ये ऐलान कर रहा हूं हुकूमत की तरफ से कि ये दोनों बड़े जो अलाउंसेज थे उसको मर्ज करने का फैसला किया गया है और मर्ज करने के बाद जो हायर सैलरी होगी उसके ऊपर 10% अलाउंस रिलीफ 2017 में दिया जाएगा। ये 10% जो मैंने अभी अर्ज किया था कि जो अफवाज पाकिस्तान रिजर्व साहब ने ऐलान किया ये उसके अलावा है, तो ये पेंशन में भी इसी तरह 10% इजाफे का ऐलान किया जा रहा है। BPS 5 तक के जो हमारे मुलाजमीन हैं जिनका 5% हाउस रेंट काटा जाता है उस हाउस रेंट की कटौती को खत्म किया जा रहा है। डेली अलाउंस के रेट को बढ़ाया जा रहा है जिसकी इजाफे की शरह तकरीबन 60% तजवीज़ की जा रही है इस हाउस को।
अर्थली अलाउंस को 12,000 से 14,000 रुपए प्रपोज किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जाए। मैयत की जो मुंतकली है और उसकी जो तदफीन का जो अखराजात है, कि पहले 1600 रुपए और 800 रुपए और 4800 थे, 1600 को बढ़ा के 4800 और 5000 को बढ़ा के 15,000 रुपए की करने की तजवीज है। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस जो कि 3000 रुपए इस वक्त, उसको बढ़ा के 7000 बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान बैरियर के मुख्तलिफ अलाउंसेज को भी बढ़ाया जा रहा है, जिनमें बैटमैन अलाउंस और मुख्तलिफ पे हार्डिंग अलाउंस है। इन अलाउंस को 50% से बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ अलाउंसेज को भी बढ़ाया जा रहा है। फ्रंटियर कॉन्स्टेबल के जवान पाकिस्तान के तूल और में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी तनख्वाह को बेहतर करने के लिए फैसला किया गया था कि उनको 8,000 रुपये महाना के रेट से एक फिक्स अलाउंस दिया जाए। इस अलाउंस को 3 बराबर हिस्सों में दिया जाना था। पहला हिस्सा 1 मार्च 2017 को दिया जा चुका है, दूसरा हिस्सा 1 जुलाई 2017 से दिया जाएगा 1/3 of 8,000, और तीसरा हिस्सा 1 जुलाई 2018 को दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, इन तमाम इकदामात जो मैंने अर्ज किए हैं, सैलरी और मुख्तलिफ अलाउंसेस, ये पिछले साल जो इंक्रीज इस मुअज्जज़ ऐवान ने पास की थी उसका जो टोटल खर्चा था वो 67 अरब था। आज मर्जर की वजह से, चूंकि वो बहुत हाई बेसिक पे जाएगा, ये अगले आने वाला साल 17-18 इसका खर्चा 67 अरब के मुकाबले में 125 अरब होगा। जो मिनिमम वेज है कम अज कम कंट्री में 14,000 को बढ़ा के 15,000 रुपये किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के करम, कौम की दुआओं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की विजन और उनकी टीम की मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान दोबारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर चुका है और तरक्की की राह पर गामजन है। अब हमें अपनी मईशत को हायर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान को अब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जिनमें डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना, मालकाना हकूक का तहफ्फुज, इंप्रूविंग रेगुलेटरी अपैरेटस, कानून की बालादस्ती, निजामे अदल की बेहतरी और एक ऐसा अदारा जाती असास मुहैया करने की जरूरत है जो पायदार बुनियादों पर मुआशी तरक्की यकीनी बनाए और मईशत को बैरूनी उतार चढ़ाव से महफूज रखे। जनाब स्पीकर, हमारे 70 साल तारीख में हाई ग्रोथ रेट के कई अदवाज गुजरे, बदकिस्मती से कमजोर गवर्नेंस और मुआशी बंद इंतजामी की वजह से हमने वो जो फवायद थे वो जाया कर दिए। आज इस मुअज्जज़ ऐवान में तमाम सियासी पार्टियों बल्कि पूरी कौम को आइंदा माली साल के बाद कौमी मुआशी विजन में मुतफिक होने की दावत देते हैं। आइंदा इंतखाबात जो भी अल्लाह के हुक्म से जीते, इस वसी तर इतफाक राय जिसे मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहता हूं, इसको हम इस पर इतफाक करें, मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाएं। और ये कुछ अहदाफ जो हैं 2018-2023 के, वो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। हमें मुसलसल नंबर 1, 7% से जायद GDP ग्रोथ हमारा हदफ होना चाहिए आइंदा 5 साल में 2018-23 में। सरमायाकारी, कॉम्पिटिशन का माहौल और इनोवेशन को अहमियत हासिल होनी चाहिए और निजी शोभा तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करे। सरकारी शोभा को ग्रोथ में मावन और मुहर्रक का किरदार अदा करना चाहिए। सरकारी इदारों में इस्लाहात करने की जरूरत है ताकि खिदमत के बेहतर मयार और कायदे जवाबत के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नेंस, शफाफियत और एहतसाब और कारोबार दोस्त माहौल को हमारी पॉलिसियों में बुनियादी हैसियत हासिल होनी चाहिए। पायदार इक्तसादी माहौल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यकीनी बनाने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन की जानी चाहिए। निजी शोभा की सहूलत के लिए टैक्सी शरह को माकूल बनाने के साथ साथ महसूलात की वसूली के दायरा कार में इजाफा, FPR में मजीद इस्लाहात करनी चाहिए। एक नए NFC अवार्ड का ऐलान होना चाहिए जिसमें वफाकी और सूबाई सतह की जिम्मेदारियों और वसायल में तवाजुन पैदा किया जाए ताकि सूबाई सतह पर मौसर तरीके से खिदमात की फरहमी यकीनी बनाई जा सके। अवाम की बेहतर खिदमत के लिए हमारे बजट और मंसूबों में ज्यादा तवज्जो नताइज के हसूल पर होनी चाहिए। तीसरा हदफ, हमारी मुआशी मनसूबा बंदी में गुर्बत की कमी और अल्टीमेटली खात्मे को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। गुर्बत की मौजूदा शरा CNB के बेसिस के ऊपर 29% को अगले 5 साल में कम करके 10% पर लाने का हदफ होना चाहिए। आइंदा 5 साल के दौरान कम आमदनी वाली तबके की फलाह बहबूद पर बुनियादी तवज्जो देनी चाहिए। तवानाई के हवाले से बढ़ती हुई इक्तसादी तरक्की के पेश नजर पाकिस्तान में तवानाई के तलब में खासा इजाफा मतवक्को है।
डिमांड ने इंक्रीज की एक्सपेक्टेड की जा रही है। बिजली के 15,000 मेगावाट मंसूबे जो कि 18 के बाद मुकम्मल होंगे वो तो इन एनी केस इन प्रोसेस हैं। इसके अलावा मजीद 18-23 में मजीद 10,000 मेगावाट बिजली के और 2 से 3 अरब क्यूबिक गैस यौमिया पैदा करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इन अदाफ के असूल के लिए हमें रीजनल कनेक्टिविटी के मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़म होना चाहिए बहसीत कौम। जनाब स्पीकर, फूड सिक्योरिटी, तमाम सार्फीन को जरूरी एशिया खुर्द नोदी की सस्ती और कीमतों पर फरहमी को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी फसलों की पैदावार में इजाफे के साथ साथ जरी और दरामदी एशिया की मुतबादल मुकामी तौर पर पैदा करने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पानी की फरहमी, घरेलू इस्तेमाल और ज़राअत के लिए पानी की फरहमी बहुत अहम है। हर साल हमारे दरियाओं से वसी मकदार में पानी बहता है मगर डैम ना होने की वजह से बहुत सा पानी ज़ाया हो जाता है जिससे जखीरा किया जाना चाहिए। आइंदा 5 सालों में ये हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि द्यामर भाषा डैम की जल्द से जल्द तकमील पर खसूसी तवज्जो दें। इसके साथ साथ हमें पानी के साफ को भी काबू करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनमें आइंदा 5 सालों के दौरान हमें कॉर्पोरेटाइजेशन और एफिशिएंसी के जरिए उसमें बेहतरी लाने का हमारा हदफ होना चाहिए। नंबर 8, बरामदात में मुसाबकत। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि आलमी तजारत में मंदी और इजनास की कीमतों में कमी के बायस हमारी बरामदात में मनफी असरात मुरतब हुए हैं। आइंदा लाहे अमल के तौर पर हमारी तवज्जो बरामदात की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो जो कि इस वक्त करीबन 7 और 8% के दरमियान घूम रही है इसको 12% लाने का एक टारगेट होना चाहिए। नंबर 9, रीजनल कनेक्टिविटी। हमें सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को जल्द अज्द मुकम्मल करना चाहिए ताकि इलाकाई रबतों के समराज से फायदा उठाया जा सके। नंबर 10, इलाकाई अदम मसावत। कम तरक्की याफ्ता इलाकों पर पाकिस्तान में तवज्जो के जरिए तमाम समाजी व मुआशी इदादोशुमार में ये जो अदम मसावत है इसके खात्मे को यकीनी बनाना चाहिए। ना सिर्फ हमारा नजरिया बल्कि हमारा नस्ल-ए-आइन ये होना चाहिए कि आइंदा पार्लियामेंट की जो मुद्दत हो 2018-23 की उसमें हर बच्चा स्कूल में दाखिल होगा। नंबर 2, जच्चा बच्चा की शर्माबाद में मैसिव कमी की जाएगी, कम से कम उसको 50% पर लाया जाएगा। हर बच्चे को जो बीमारियां मतदी हैं उसको बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। तमाम अफराद को जो साफ पीने का पानी है मुयसर होगा। नंबर 5, जो हमारे सैनिटेशन सिस्टम है वो ठीक होगा। हर नौजवान बाहुनर होगा, स्किल्ड होगा, औरत को बाख्तियार बनाया जाएगा। अफरादी कुव्वत में खवातीन का तनासब 30% तक बढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह हर घर के लिए बिजली दस्तियाब होगी। फी का सामदनी जो इस वक्त 22% बढ़ी है इन 5 सालों में उसको मजीद दुगना किया जाएगा 100% के इजाफे से। और हमारी नंबर 10, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा फाइनेंशियली और डिजिटली इंटेग्रेटेड और इंक्लूसिव होना चाहिए। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह ताला के करम से हमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल जो हुई है 4 साल के मुकाबले में आज पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है। ये 2013 का पाकिस्तान नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2017 का पाकिस्तान है और इसके शहरी अपने और अपनी नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि हम अवाम की फलाह बहबूद के मुश्तरका मकसद के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए मिलजुल कर काम करें। अगरचे हमने लंबी मुसावत तय की है और हमें लेकिन हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते इतनी यानी अचीवमेंट के बावजूद। दरअसल हमें इसको हमें समझना चाहिए कि ये बिगनिंग है और हमें अपनी कोशिशें मजीद तेज कर देनी चाहिए कि हम 2030 से पहले ही जो इसको को प्रिडिक्ट किया है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कि पाकिस्तान दुनिया की G20 में शामिल होगा, हम मिलके इसको उससे पहले ही पाकिस्तान को G20 के मईस्तों में शामिल करें। जहां पे स्पीकर, ये सिर्फ मुमकिन है जब पूरी पाकिस्तानी कौम मुतफिका एक इकोनॉमी पर यकसोई से अमल पैरा होने का फैसला करेगी। अल्लाह ताला ने सूरह आला इमरान में फरमाया वा तासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो तो फरके में मत पड़ो। कुरान की इस आयत की रोशनी में इस ऐवान के तवसुत से मैं पूरी कौम से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं कि वो इस मुआशी प्रपोजल और विजन के हसूल के लिए यकजा और यकसू होकर आगे बढ़ें। और हमारा ईमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का अस्वा हुसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। दुनिया भर के मुसलमान और गैर मुसलमान ये मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौरान रियासत मदीना तारीखी इंसान में रियासत का बेहतरीन मॉडल थी। जनाब स्पीकर, वो मॉडल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले कभी था। हमें अपनी पॉलिसी में उस मसाली रियासत की रूह को शामिल करना चाहिए जिसका तुर्रा इम्तियाज कानून की हुक्मरानी, शफाफियत, मेरिट का निजाम नफाज, समाजी तहफ़ और अच्छी गुड गवर्नेंस थी। नावे स्पीकर, अगर हम इस मॉडल पर अमल करें बैसियत कौम, तो मेरा ईमान है कि हम कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब की तावीर को मुमकिन कर दिखाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जल्द एक खुद मुख्तार, खुशहाल, बावकार और तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे। मैं आखिर में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान फाइंदाबाद। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस टू मूव आइटम नंबर 3। जी डार साहब, टू मूव आइटम नंबर 3। चलो जी अगे चलो, जी आबिद साहब आप प्लीज, आबिद साहब जी, इसहाक डार टू मूव आइटम नंबर 3, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। जनाब स्पीकर जी, आइटम 2 कहा है आपने, आइटम नंबर 3 जी, आइटम 3। जनाब स्पीकर, विद योर परमिशन आई बैक टू ले बिफोर द नेशनल असेंबली द फॉलोइंग पेपर्स। नंबर 1, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। नंबर 2, एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 1998-99 and 2003-2004। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 1998-99 and 2003-04 स्टैंड लेड। Minister of Finance to move item number 4. Now, Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2017 and to amend certain laws, the Finance Bill 2017. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2017 and to amend certain laws, Finance Bill 2017, stands introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 29th of May at 4 p.m. इजलास 29 मई पीर तक मुलतवी कर दिया गया है।